असलम गायज़ पाकिस्तान ने अभी हाल ही में इलेक्शंस को देखा आज हम इन इलेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे और उसके आफ्टर मैथ के बारे में इसके साथ साथ वैलेंटाइंस डे इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और बहुत सारे नौजवान जो हैं वो हर साल वैल्टाइंस डे से पहले पहले उनको प्यार इश्क और मोहब्बत के बेशुमार सवाल सूझ रहे होते हैं आज उन सब के बारे में भी बात करेंगे ऑल दिस एंड मच मोर इन इंट्रोड्यूज एपिसोड ऑफ एम डब्ल्यू एंड

अम्मबादा फ़ाउज़ बल्लमिनशर बसमी रबली सदरी वसरलीमरी वाहमसानी वरहि वर्क माई डियर ब्रेन सिस्टर्स एंड अनदर एपिसोड एटीट्यूड विद मी राजा ज्यालक आज ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमारे सामने लाइंड अप हैं और उसमें इलेक्शंस भी हैं उसमें मार्क जकबर्ग को रिसेंटली जो है वो ट्राई किया गया यूएस सेनेट में बहुत सारे सवाल पूछे गए उनसे रिगार्डिंग सोशल मीडिया और जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं सोशल मीडिया के उसके बारे में आज बात करेंगे और ख़ास तौर पर आज जिस टॉपिक को हम मेन फोकस में लेके आएंगे वो है वैलेंटाइंस डे प्यार इश्क मोहब्बत और हमारा आज का नौजवान आज सबसे पहले जी इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको हमारे गेस्ट के साथ सबसे पहले अली ई व्लॉग्स आज हमारे साथ

खासा है कि ये हम सबको गजा के मुसलमानों की याद दिलाते रहते हैं दिस इज ए सिम्बल दिस इज ए स्ट्रेड मार्क उमर भाई वेलकम टू द्रॉडकास्टर अच्छा मैं आपके साथ स्ट्रेट वे स्टार्ट करूँगा विद सम अगर आप बता दें इस वक्त तकरीबन चार महीने से ज़्यादा हो चुका है और आई वॉन्ट कि आप जरा हमारे साथ शेयर कर दें क्योंकि देखें वो नंबर हैं ना अभी भी मैं देखता हूँ कई लोग पुराने नंबर्स कोट करते हैं बट इस वक्त सूरत काफ़ी ज़्यादा संगीन हो चुकी है ज़्यादा भाई अच्छा कि आपने जैसे मेंशन किया है हमें ना मे मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ना ऐसा संगीन मामला है ये हमारे ऊपर अटैक है एक्चुअली असल में ना ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसलिए लोग भूल बुला जाते हैं और वाकई कुछ अरसे में ना कुछ हफ़्तों बाद ही भूल बुला जाते हैं नॉर्मल हो जाते हैं लाइफ में तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ना हमें स्पेसिफ़िकली ऐसे कुछ अटायर में या कुछ भी ऐसा करना चाहिए जिससे ना अपने आप को भी और लोगों को भी याद रहे ज़्यादा भाई इस वक्त जो स्टैट्स जैसे आपने कहा फोर मंथ्स प्लस हो चुका है ऑलमोस्ट और रफली जो स्टैट हैं ना अलजी के लाइफ ट्रैकर्स के मुताबिक इस वक्त हाफ था टोल है लोग मर चुके हैं hmm. गजन फलस्तनी गजा में सिर्फ जिसमें से तकरीबा साढ़े आठ हज़ार से नौ हज़ार के करीब बच्चे हैं सिर्फ और ये बढ़ता जा रहा है रिसेंट hmm. मतलब इस वक्त क्या हुआ हुआ है उन्होंने आर्मी तो अपनी पुल आउट कर ली है फॉर वेरियस रीज़ंस क्योंकि वो वन टू वन वॉर में जो मसायल हैं उनके और जो इंटरनेशनल प्रेशर है लेकिन सारा जो रेफ्यू इस वक्त जो रेफ्यूजीज हैं जो डिस्प्लेस्ड हैं इंटरनली डिसप्लेस पीपल हैं वो सारे रफा के करीब साउथ और वो समुंदर की तरफ इकट्ठे हुए हुए हैं hmm. सेफ जोन जो इसराइल बताता है फिर वहाँ पे भी वो अटैक करता है तो अभी hmm. भी यही हो रहा है एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल अच्छा ये बात वैसे यू uh, नो you know, हमें भूलनी नहीं चाहिए क्योंकि आई नो कि अभी पिछले कुछ दिनों में ये इलेक्शंस का फीवर सबको चढ़ा हुआ था और इसी की बात हो रही थी और आप जो भी न्यूज़ चैनल्स और वो देखें सब पे ये बात हो रही है तो कभी कभार होता है कि हमें कोई और चीज़ प्रायरिटी बन जाती है और जो कुछ और मामलाते हैं जो अभी कल तक बहुत बड़ी न्यूज़ थे वो थोड़े बैक बर्नर पर चले जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन टॉपिक्स को बार बार डिस्कस करते रहें ताकि वी ऑलवेज़ नो दैट वी हैव टू कीप प्रेयरिंग फॉर आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड कीप्स स्ट्राइविंग वट वी कैन हमारी कैपेसिटी में जो कुछ हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए ख्वान ज़रात हमारे तीसरे गेस्ट आज के मेहमान जो हैं वो खुरम अलवी हैं जो हमारे लेवरपूल के बड़े ज़बरदस्त फैन भी हैं खुरम भाई वेलकम टू द पॉड अच्छा वैसे मैंने कहा चलें आपसे आज मैं आ, बात का आगाज़ करूंगा वो जो मार्क मार्क्कबर की जो खबर आई है रिसेंटली वॉज ग्रिल्ड इन द सेनेट इन द यूएस सेनेट अलोंग विद अदर जो टिकट और बाकी जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जो ओनर्स हैं जो सी हैं उनके साथ आ, और मेन चीज़ वो अगर हम यहाँ पर क्लिप भी चला देते हैं उसका आप लोग साथ देख लें जिस जो मेन उनके ऊपर कंटेंशन था वो ये था कि जी आ, डेटा प्राइवेसी नहीं है दूसरा एक्सेस टू सर्टन इंफॉर्मेशन जो कि लोगों को नहीं होना चाहिए ख़ास तौर तो पर फॉर एग्जांपल जहाँ पे, पे uh, अल्लाह माफ़ करे चाइल्ड पोनोग्राफी से रिलेटेड या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड कंटेंट है तो उसमें जो डायलॉग बॉक्स अपीयर करता है जब कोई बंदा इस तरह की चीज़ को सर्च करता है या इस तरह के हैश को क्लिक करता है तो आगे से दो ऑप्शन आते हैं एक आता है कि जी गेट रिसोर्स मीनिंग गेट हेल्प तुम्हारे साथ कोई मसला है अपना इलाज करवाओ तुम क्या सर्च कर रहे हो और दूसरा ऑप्शन जो था वो था सी रिजल्ट एनी वे सी रिजल्ट एनी वे एक तो अपना इलाज कराएं जाके और अगर नहीं कराना चाहते कोई बात नहीं तो आप रिजल्ट वैसे ही देख लें तो इसके ऊपर तो बहुत ग्रिल किया गया उनको तो मैं चाहूंगा आप जरा बताएं ये जो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया है एल्गोरिदम्स की दुनिया है कंटेंट पुशिंग की दुनिया है उसमें आखिर व्हाट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ मार्क जकबर्ग टू पुश दिस काइंड ऑफ कंटेंट ऑन हिस्स प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम तौर पर ज़रा भाई ओबियसली ये लोग एक इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है जितने भी एप्स हैं ना दे वॉन्ट यू टू स्टे ऑन द ऐप फॉर एज़ लॉन्ग एज पॉसिबल अब उसके लिए जो भी उनको टेक्टिक्स या जो भी एलग्रिदम्स लगाना पड़ेंगे वेदर एथिकल अन ऐथिकल कोशिश वो करते हैं लीगल बाउंड्रीज के अंदर रहें कभी कभी वो भी क्रॉस करनी पड़ जाएँ तो वो उनका मसला नहीं है सो दैट्स दी आइडिया एंड जो भी इस तरह का कॉन्टेंट होता है ना फोहश कॉन्टेंट हो या जिसमें इंसान वो थोड़ा फंस सकता है तो वो आपको ऐसे कंटेंट की तरफ पुश भी करते हैं <coughs> और ये जो सारा आपने स्पेशली जो फ़िल्थी कंटेंट है ये एक लमाफ कर एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को हुक भी कर देती है और ये थ्रू एलग्रिदम्स इवन ये वो चीज़ें इनफैक्ट अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है ना तब भी आपको दिखाते हैं सही मतलब ये इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स उनको पता है कि यार एक मौलवी जो है ना उसको भी दिखाओ ताकि वो भी फंसल जाए आ, और ये हर तरफ आता है और ये मैं कभी कभार हमने इवन अपने सोशल मीडिया में भी और आगे पीछे भी चेक किया कि यू नो कभी कभार आपको बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नजर आएगी जिसका कोई ताल्लुक नहीं आपकी इंस्टाग्राम फीड से ऐसी रैंडम सजेस्टेड पोस्ट या कोई इस तरह की चीज़ आ जाएगी यू स्टार्ट टू थिंक यार ये किस तरह रिलेवेंट है और जरा भी इसके साथ साथ ना दे देस्सो लुक एट योर कैमरा जो डेटा प्राइस की बात की ना देर इज दिस स्टोरी जो एक पेरेंट्स बता रहे थे कहते हैं मेरे वॉज दिस वन जो कहती मैंने अपने छोटा सा बच्चा था टॉडलर था उसको आई पैड पर कार्टून लगा के दिए हुए थे एंड सडनली आई सॉ एन एड जो कि बिल्कुल उससे रेलिवेंट नहीं था ऐसा यार बड़ा फोश किस्म का और एडल्ट किस्म का कॉन्टेंट उस पर आया कहती है आई वो बट शॉट कि ये क्या कहते मैं जल्दी से आई पैड हो बंद कर दिया और कहते शाम में जब आए हस्बैंड के तो मैंने उसको बताया तो उसने कहते वी वीस ओपन अप द सेम कार्टून और हमने वो देखना शुरू किया हम देखी जा रहे हैं देखी जा रहे हैं हमें ऐड आई नहीं हमें mm. और कहते हैं मेरा हस्बैंड जब देख रहे हैं उसको हार्डवेयर टूल्स शूल्स इस तरह उसके के उसके इंटरेस्ट के एड्स आ रहे हैं कहते मैं mm. मैं कहता तो हमने कहा आप देख ही जा रहे हैं तो काफी देर बाद हमें कहा पता नहीं क्या शायद रैंडमली आ गए हमने बच्चों को दोबारा पकड़ा दिया एंड आफ्टर वायल द सेम एडजस्ट अ पेड़

इनका मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली ट्रैफिक है ना हाउ यू कैन क्रिएट ऑन द ऐप और बस वहां से करेंगे एक्चुअली तो मेन तो बिजनेस कैसे इंक्रीज करना वही समझ आती है लेकिन हमें ऐसे हमने देखी हैं चीज़ें कि हमें लगता है कि कुछ एजेंडा वाइज कुछ चीज़ें चीज़ें इंजेक्ट की जाती हैं ये जो आप बता रहे हैं ना फेस रिकग्निशन तो अब लोकली इसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती ऐप खुद ही इतने एलगोरिदम से हो चुके हुए हैं कि इतना तो रिकगनाइज कर ही लेती है कोई भी कोई भी सॉफ्टवेयर कैमरा की अगर एक्सेस है कि ये औरत है या मर्द है इसके सामने मेरे सामने या बच्चा भी ये भी कर लेते होंगे तो ये जो इन्होंने बात की ना अच्छा सुशबानला कैमरा रिकगनाइज कर लेता है कि औरत है या मर्द है लेकिन इंसान रिकगनाइज नहीं करता कि औरत है या मर्द है <laughs> और वो अभी भी इस बात पर तुले हुए हैं कि जी आप कहें कि औरत को देखे बोलें कि अगर वो कहती है वो मर्द है तो आप उसको मर्द ही माने ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कल को जिनको एड्स आ रहे हैं वो शिकायत कर सकते हैं

say that okay in the past seven days actually instagram just listen to it in the past seven days 37% of instagram users between 13 and 15 hmm, 13, 13 and 15, 15 okay. encountered nudity on the platform 37% in the last seven uh, days, actually, said days twenty-four percent of the Instagram users between thirteen and fifteen, which mm. because this was concerning. This was even concerning for the Americans, mm. let alone Muslims. Mm. Muslims ka to, to filter both pale received unwanted sexual advances in the past seven days. Any statistics 37%, 24% nudity, exposure to nudity mm. and unwanted sexual advances. Mm. हैं मेरे है। अच्छा जब हम इस किस्म के प्रॉब्लम uh, को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते ना एक कॉमेंट बड़ा क्विकली बड़ा कॉमनली आता है नीचे ऐसी वीडियोज़ के नीचे के और यार तुम पाकिस्तान को पहले देखो ना पाकिस्तान थर्ड नंबर पर फर्स्ट नंबर पे है जो हॉर्न साइड एक्सेस करते हैं और तुम क्या बात कर रहे हो नो डू यू मैं बात यह कि एक तो ये है कि ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी है जहाँ पे जब आप एक्चुअल स्टैट्स देखते हो तो वो बड़े डिफरेंट हैं और अक्सर अवत्यात आप देखते हो कि जो असल कंज्यूमर्स हैं पॉन्ड इंडस्ट्री के वो आपको यूएस में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ पे मिलते हैं जो परसेंटेज वाइज अगर आप देखा जाए दूसरी बात यह भी है कि जब यहाँ पर बात होती है ना कि जब हम कहते हैं कि जी छोटे बच्चों को आप एक कॉन्टेंट पुश कर रहे हो कौन पुश कर रहा है मौलाना साहब पुश कर रहे हैं हज़रत साहब पुश कर रहे हैं कौन पुश कर रहे बिकॉज ये एलगोरिज्म इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बड़ी कंपनीज हैं लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह टिक टॉक दे कोड केयर लेस अबाउट योर एज और वट एवर दे विल पुश यू सर्टन कॉन्टेंट बिकॉज वो उनको पता है कि वो सेक्स सेल्स एंड ख़ास खासतौर पर इस एज पर इस नाजुक मोड़ पर जब एक बच्चा प्यूबर्टी की तरफ जा रहा होता है उस टाइम पर इसको दो ये चीज़ें बम्बार्ड भी करो वो जो आपने बताया सेक्सुअल एडवांसेस आ रहे हैं कोई मसला है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं हालाँकि आपके पास टूल्स तो हैं स्टेप बाई स्टेप है, पैस है भाई आप डिसटाइज करें पहले स्टेप छोटे से एज से डिसेंटाइजेशन डी इतना कि बच्चा फील ही ना करे इस हालांकि फितरतन बच्चे में ना मेरा ख्याल है कि हम सब बच्चों वाले हैं सात आठ साल की बल्कि इससे भी ऊपर तक फितरतन बच्चे में शाइनेस होती है अगर लेकिन वो, वो आपने फितरत को आपने डिफाई करना है तो इसलिए आप तीन चार साल की उम्र से दिखाते जाओ दिखाते जाओ ताकि वो थोड़ा सा डिस हो जाए उसको फील ही ना हो कि दिस इज ये hmm. hmm. लगता है जैसे भाई जो शैतान ने काम वेस्टर्न सोसाइटी के साथ किया ना hmm. वो वेस्टर्न सोसाइटी अब मुस्लिम कंट्रीज के साथ पर्टिकुलरली टारगेट करके कर रही है क्योंकि वेस्टर्न साइड पे भी जया भाई आ, कुछ सेंचुरीज पहले अगर आप देखें तो इस तरह से नहीं था नहीं। जिस तरह से आज है हिजाब था ठीक है मतलब प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स हो गए बाकी चीज़ें होंगी वो इस तरह से वाइड स्प्रेड कॉमन नहीं थी ये जो लिविन कल्चर है ये बहुत शुरू से नहीं चलता आ रहा ये आहिस्ता आहस्ता आया वो शैतान ने आहिस्ता आहस्ता वो खुदवाती शैतान जो है वो इन प्ले हुआ और हुआ अब हमारे साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है अच्छा जिस तरह अभी अगर आप देखें इंस्टाग्राम में और फेसबुक वगैरह में गजा से रिलेटेड कितनी पोस्ट को इन्होंने सेंसर किया एग्जैक्ट exactly. इन्होंने कहा यह मिस इन्फॉर्मेशन है कोविड के दौरान इन्होंने <laughs> कितने लोगों को बैन किया ब्लॉक किया डिलीट किया क्या किया यानी इनके पास टूल्स मौजूद हैं चाहे वो वीडियो को स्कैन करना हो हाँ। वीडियो के अंदर टेक्स्ट जो आ रहा लिखा हुआ उसको स्कैन करना हो हैश टैग्स को स्कैन करना हो ईवन ऑडियो को स्कैन करना हो ऑडियो में भी अगर वर्ड वो उसको भी पकड़ लेते हैं तो ये क्या इतने भोले हैं कि इनको आ, और उन्होंने जब कोई सर्च करता है उनको पता है ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है यानी डायलॉग के अंदर ना ये चीज आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो डायलॉग बॉक्स है उसने डिटेक्ट कर लिया कि आगे एक्सप्लिसिट कॉन्टेंट आ रहा है यानी दे हैव फिगर्ड इट आउट कि या तो इसमें सेक्सुअल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो रही है या याद्यूटी है या कुछ और है इसीलिए तो आपको डिस्क्लेमर दे रहा है कि भाई हेलो आपने आगे जाना या नहीं जाना और आपको या कह रहा रहे प्रो नीड हेल्प आप रिसोर्सेज लें या फिर आप ऐसा करें कि कॉन्टेंट ही देख लें हमारी इतनी बड़ी एग्जाम्पल है हमारी अपनी वीडियो चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो थी हालांकि वो वीडियो जो थी वो अभी वो तो अभी यानी वो नहीं पब्लिश भी नहीं हुई थी वो सिर्फ अभी प्राइवेट में पड़ी हुई थी इन्होंने डिटेक्ट करके ऊपर उसके जो है स्ट्राइक मार दी इन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग को कंडेम कर आप ना कंस्पिरेसी थ्योरी पेटल कर रहे हैं इसको भी तो पेटल हुई नहीं है नाजी पार्टी पार्ट टेक्निकली ना इसमें एक चीज कम अज कम आप क्या क्योंकि ना वी द राइट पिक्चर ये जो कंटेंट जब आता है ना तो वो आपको दो ऑप्शन जो देते हैं ना hmm. कि प्रोसीड एनी वे hmm. उसमें उससे भी उससे पूछा गया था और उसने जवाब दिया था और वो जवाब बेसिकली ना टेक्निकली ठीक है एज एज अ सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट मैं आपको तो बता सकता हूँ या जनरली भी आप सोचें वो कहते हैं कि क्योंकि बिकॉज वी कुड बी रॉन्ग दैट इज़ एक्चुअली टू सम एक्सटेंट ट्रू दिस इज़ समाइम्स पॉसिबल कि उन्होंने रॉन्गली आइडेंटिफाई किया दैट्स वाई दे वॉन्ट टू गिव एन अपॉर्चुनिटी बट द नेक्स्ट क्वेश्चन द सेनेटर टेल आस हाउ मेनी टाइम्स डिटेक्ट उसका इशारा मेखल इस तरफ था यू आर अंट स्टेट्स कलेक्टर और यू एनालाइज स्टेटिस्टिक्स सो अब तक इतना तो पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा लोग ऑप्ट करते हैं और कितने आपके रिव्यूअर्स बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा आप जैसे आपका हुआ मेरे चैनल कितनी दफा जब आप उस पर कदगन लगे हैं इंस्टा पे mm -hmm. वो सिर्फ इस पेज पर कि मैंने ज़ख्मी बच्चे को दिखा दिया था ब्लड ब्लड डिटेक्ट कर लेता है जिनका कैलकुलेटर ना ब्लड तो उस पर ऑटोमेटिक फिल्टर्स लग जाते हैं तो नहीं ब्लड अगर ना भी हो ना आप उसको ब्लैक एंड वाइट करते हो इस वीडियो को वो तब भी डिटेक्ट कर लेगा तब भी कर लेता है वो इसमें तो इवन आप इस तक को डिटेक्ट कर सकते हैं एक बच्चा अस्पताल में ब्लड खून में दिखता हुआ विजुअली वून्डेड लग रहा है, है या इंपेयर्ड लग रहा है फॉर एग्जांपल इतने साल हो गए हैं आपने बहुत सारे स्टैट्स इकट्ठे किए होंगे कि ये जो हम पकड़ते हैं आ, कि इसमें मसला हो सकता है तो दो ऑप्शन हम देते हैं प्रोसीड एनी वे या ब्लॉक उसमें कितने परसेंट वाकई आगे सही मानों में वो गलत कंटेंट निकलता होगा और जिसको लोगों ने प्रोसीड किया होगा उसकी बेस पे आपने क्या किया है इस ये सवाल दूसरी राइट लेट्स सपोज इवन इफ रॉन्ग लुक एट वर द पर्सन इज सर्चिंग फॉर ही सर्चिंग फॉर चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज वो इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कर रहा है या वो किसी हैश डैग को क्लिक करता है आपने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ इन इन किस कॉन्टेंट में जो भी आपको दिखाने लगे हैं उसमें चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ है या तो आप कह रहे हो कि डू यू वॉन्ट अस या तो आप कहते हैं गेट रिसोर्स या शो कॉन्टेंट एनी वे लाइक वॉट इफ समी सेट कि आई आई वॉन्ट टू नो हाउ टू मेक अ बॉम्ब ठीक है yeah. और आपने डिटेक्ट कर लिया हो कि ये सवाल इसने उठे सवाल इसने किस्म का पूछा है <laughs> उस केस में आप कहते हो सो आई थिंक यू टू डू इलीगल बट हाउ अबाउट तो फिर यहां मैंने क्योंकि मिसाल दी है यानी इतना था लिटरली कुछ वीडियोस तो ऐसी थी मेरे चैनल पे जो लिटरली प्लाइट दिखा रही है एक विक्टिम की

फैल रही है गजा का इतना ज्यादा कंटेंट mm. जो है वो ऑब्वियसली वो भी इन्हीं के बस बजा है। के निकले गया कहीं से यूं भी कह सकते हैं आप uh -oh. लेकिन व्हाट वी एडमिट दैट वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि वो भी हो रहा है और उसका mm. फायदा लेकिन व्हाट पॉइंट इज वी नॉट टॉकिंग अबाउट यूजर्स आई एम ट्राइंग टू टेल इज

मेन स्ट्रीम नेरेटिव है उसको पोस्ट करना है वो आप बिल्कुल करें उसके खिलाफ कोई भी अगर आप किसी डॉक्टर पीएचडी को भी ले आएंगे ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है लाइक वाइज अगर आपने पोर्नोग्राफिक कंटेंट है सेक्सुअल अब्यूज़ है चाइल्ड ट्रैफिक उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो बिल्कुल ओके okay, आप दिखा सकते हैं लेकिन किसी और किस्म का कॉन्टेंट जो है वो बैन है तो दिस इज़ वेर यू सी के क्लियर बायस है उनका एंड दिस इज आई थिंक वॉट द सेनेटर्स वर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैम के इवन जो टिकटॉक का सी uh, ओ uh, है उसको जो उन्होंने ग्रिल किया इस पर किया कि हॉन्गक में सिंगापुर में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट वगैरह हुआ है वो आपने बिल्कुल कवर नहीं किया और तो उसने कहा नहीं वो हमारे हैश टैग्स नहीं आए होंगे उसने भी गोल मटोल जवाब ही दिया है हालांकि अगेन वो भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्ड किस्म का कंटेंट होता है जो वो लोगों को पेश कर रहे होते हैं बड़ा इंजीनियर्ड होता है सोशली इंजीनियरिंग के साथ गुजर के वो आता है तो वो उनको पता है एक्जैक्टली exactly हमने किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट करना है और किस तरह से नहीं, नहीं, नहीं। ना बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस रहा है एड्स के वाले से मुझे एड्स आ, ऐसा रूटीन में हुआ कि कुछ एड्स मुझे नज़र आना शुरू हुए मुझे लगा कि यार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए पहले तो मैंने इग्नोर करने की कोशिश की लेकिन फिर मैंने कहा कि लेट्स ट्राई टू वो जो एक छोटा सा क्रॉस आता है ना साइड पे आप क्रॉस करते हो उसको तो आपसे पूछता है कि क्यों क्रॉस करना चाह रहे हो अब तीन चार ऑप्शंस देता है तो आप क्लिक करते हो कि यार आ, मैं जो हूँ ना इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ ठीक है जब 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 मैंने क्लिक किया ना कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ या ये इन अप्रोप्रियट है इस वगैरह वगैरह तो वो दिखाते हैं वो दोबारा आते हैं सही बात है सही बात है

जिस तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं ना दुनिया को उस तरह से सोच रहे हैं तो जब मैं कहूँगा ना ये मेरे लिए यूजफुल <laughs> नहीं है तो वो नहीं, नहीं नहीं करेगा उसके पीछे एल्गोरिथम है ना वो टोटली बिजनेस ओरिएंटेड है हुँ. अपने एजेंडाज और बिजनेस ओरिएंटेड वो वर्क कर रहा है ही केयर एक्चुअली द द वे इन नॉर्मल वर्ल्ड थिंग्स वुड वर्क दे वट डू द एल्गोरिथम इज डूइंग डूंगाइज अकॉर्डिंग टू वट इट अच्छा एक और चीज़ बताऊँ ये जो हम आपने बल्कि सवाल किया था ना कि जी ये जो पाकिस्तान नंबर वन रैंक करता है अच्छा इसकी भी ना पीछे इतनी इन्होंने मिस इनफॉर्मेशन एक तरीके से फैलाते हैं अच्छा इसके अगर आप टेक्निकलिटी देखें ना वो कहते हैं कि मोस्ट सर्च्ड कहाँ है पाकिस्तान है अच्छा वो लिस्ट है ना उसमें पाँच छः मुसलमान ममालिक हैं और चार पांच रैंडम मुल्क है so, आपका कोई टॉप कंट्री नहीं है hmm. उसकी रीज़न ये कि इन सब मुल्कों में आपकी पोर्नोग्राफिक जो मेन साइट्स हैं वो बैंड है सो hmm. so, लोग क्या करते हैं गूगल पे जाके सर्च करते हैं hmm. बाकी सब जगह पे जितनी टॉप वेबसाइट्स हैं है। उन्होंने वहाँ पे अकाउंट्स बनाए हुए हैं वो पे करते हैं उनको गूगल पर सर्च ही नहीं करना ठीक है और आप उनके अपने स्टार्ट देखें जो सबसे बड़ी है उसकी नंबर वन जो उनके व्यूअर्स हैं बाय डिस्टेंस बाय बिग मार्जिन इज यू नंबर टू इज़ यू नंबर थ्री इज

उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने इस इंडस्ट्री को एक्सपोज करने की ना कोशिश की है कि यार हाउ बैड दिस इज लाइक देव सफ़र थ्रू मतलब वो एक्टर्स नहीं थे hmm. वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे और बताते थे कि यार किस तरीके से गंद बनता है और इसका रिज़ल्ट क्या होते हैं खैर वो एक लंबी स्टोरी बट उसमें एक छोटा सा स्टार्ट मुझे एग्जैक्टली ये याद लेकिन यू की कोई स्टेट थी उधर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे किसी दो स्टेट्स ने कुछ तरह था कि एक जगह पे ना रेप केसेस बहुत हाई बन होते जा रहे थे सो एक ने अस्यूम किया एक ने प्रोडिक किया कि मे बी इट्स ड्यू टू पॉन तो उन्होंने वहाँ पे बोनोग्राफिक कंटेंट ऐसी फिल्में चीज़ें अपने सिनेमा में हर तरफ उन्होंने और ये इस तरह की सी डीज पुराना टाइम है उन्होंने इस चीज़ को बहुत कंट्रोल किया एंड ओवर द नेक्स्ट ईयर फ्यू ईयर्स उन्होंने नोट किया कि के रेप केसेस हैव हाँ गॉन डाउन hmm. लेकिन अगर आप आज बैठ के ना सर्च करने की कोशिश करेंगे, करेंगे ना तो मेन स्ट्रीम ने है कि जी इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है hmm.

और उसने hmm. गिनना शुरू किया उसने देखा, देखा देवर अबाउट टेन फिफ्टीन उस पॉइंट पे ऊपर बोर्ड इधर बिल बोर्ड है इधर स्क्रीन पे चल रहा है और वो घूमता रहा और उसने कहा मेरी विजन से ना कोक और कोका कोला का लोगो और रेड कलर ये नहीं गायब होगा hmm. That's हाउ मच दे वांट कि आपकी नजर में रहें बिकॉज इट्स ऑल बाउट मेमरी जब मैच देखने होते हैं बीच में कितनी दफा एड आता है एक दफ़ा बता नहीं दिया तुमने यार का ये जो है ना <laughs> कि <के नहीं> जी <laughs> फ्रस्ट्रेटेड कॉम वाली चीज़ और जो कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे जो आपको बार बार दिखाया जाएगा सोशल मीडिया पर तो अब मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा लोग मोबाइल पे अपना hmm. कंटेंट कंज्यूम करते हैं सो द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग ऑन योर सोशल मीडिया ना तो आपको लाजमी अगर आप खातन देखी जा अगर मर्द खातन देखते रह रहे हैं और, और उस तरह की चीजें तो जहरी बात है आपका वैलेंटाइन डे मनाने का दिल करेगा ही करेगा चाहे आप अगर भी भी तो तो जो देख रहे हो इससे कोई असर नहीं पड़ता अच्छा मैं आपको इसकी छोटी सी एक डोटल मिसाल देता हूँ देखिए जब आप एग्जांपल ऐसे फॉर uh, एग्जांपल लड़के हैं जिनको आपने इस किस्म के पोर्नोग्राफिक कंटेंट का एक्सपोजर नहीं दिया और वो आपस में फॉर uh, एग्जांपल uh, उनकी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स खेलते हैं uh, उनको आप इंटरमिक्सिंग नहीं करने देते ठीक है उनको पता है उनकी माँ भी है उनकी बहन भी है उनकी फ़ैमिली में ख़ात भी हैं उनको उनका पता है ओबियसली uh, लेकिन वो लोग ना उनका ख़ातियों के साथ उस तरह डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है पौन तो दूर की बात है पोर्नोग्राफिक कॉन्टेंट तो बहुत दूर की बात है तो उनके लिए अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज़ के खातून से जब वो इंटरेक्शन भी करते हैं ना पहली दफ़ा तो दे आर जनरली शाये यानी उनको होता है कि क्योंकि कभी उस तरह इंटरेक्शन हुआ नहीं तो उनके फित्रता वो शायद होते हैं लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसको आपने या एक ग्रुप आप ले लें और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के तौर पे करें जिनको आपने बहुत ही इस किस्म का फोश कॉन्टेंट दिखाया और उनको फ्री मिक्सिंग भी खूब करवाई है ये वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी यू नो बिन दैट डन दैट वाली बात होती है नाउ बिकॉज इट्स लाइक अ पौंड की जो एडिक्शन है ना इट्स लाइक अ ड्रग एडिक्शन राइट सो इट्स नॉट ग स्टॉप इफ यू वॉच अ सर्टन टाइप ऑफ पोर्नोग्राफर कॉन्टेंट इट गेट्स वर्स एंड वर्स एंड वर्स तो आप स्टार्ट हुए थे बड़े हल्के फुलके नॉर्मल अंदाज में एंड देन करते करते इट बिकम सो मच कि आपकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है ना होता है कि नाउ आई वॉन्ट मोर अविट आई वांट मोर अविट और मैं आपको एक रियल लाइफ कुछ मिसालें देता हूँ आपको क्योंकि हमारे पास कई ऐसे केसेज आते हैं पीपल कम अपर प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ कि आई हैद सो मेनी टाइम्स इन द लास्ट आई वुड से थ्री टू फोर ईयर्स कि जहाँ पे किसी uh, वाइफ़ ने कांटेक्ट किया जो किसी हस्बैंड की वाइफ है उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि माय हस्बैंड इज़ अनएबल टू हैव एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मी बिकॉज ही इज़ अडिक्टेड टू पॉन्ड और वो जिस लेवल पे आके जा चुका है ऑफ़ कोर्स मैं उसको कुछ भी नहीं लगती आई मीन आई एम नॉट मेरा मतलब मेरे बारे में वो बिल्कुल कंसर्न नहीं है वो ही इज़ नॉट एबल टू

तो हर बंदा खुद ही एंटीबायोटिक ले लेता है लेकिन बहरहाल ये एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है जब आप रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है आपका इन्फेक्शन नहीं जाता फिर आप ड्रग की इंटेंसिटी थोड़ी सी डिफरेंट क्लास की अप्लाई करते हो फिर वो लेके आते हो उससे भी इन्फेक्शन जाता है तो इस कांसेप्ट को कहते हैं टॉलरेंस कि जब आपकी बॉडी में टॉलरेंस डेवलप हो जाती है फिर आप bigger मशीन लेके आते हो उस इंफेक्शन को खत्म करने के लिए दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज ये सेक्सुअल आपकी उसमें भी ये चीज प्ले करती है बिश्चर, कि बिश्चर। आप इतना ज्यादा वो हाई लेवल की चीज से एक्सपोज हो जाते हो जो कि बड़े कॉस्मेटिकल अंदाज में उन्होंने फील किया होता है ठीक है कि आपको जो नॉर्मल आपकी लाइफ है जो कि एक्चुअली होती है आ, वो आपको फिर कुछ भी नहीं लगती आप उससे वो प्लेयर अचीव भी नहीं कर पाते बिल्कुल और ये आई थिंक अगर इसको थोड़ा सा भी इंसान गौर करे ना और अपने इर्द गिर्द देखे तो यू फाइंड के जिस तरह जिस तरह लोग इस चीज की तरफ जाते हैं ये नहीं होता कि वो शरीफ और नफ्स हो जाते हैं यानी जिस तरह का क्लेम है ना कि जी नहीं आप माशरे में ये हमारे लिबरल तबका अक्सर कहता होता है नहीं माशरे में आप ये ब्रॉथल्स भी खोल दें प्रोस्टिट्यूशन की जगह खोल दें आप ओपन कर दें तो माशरे में चर्च और ड्रग्स और अफीम और सब कुछ आम कर दें सारे लोग बिल्कुल पकीजा हो जाएंगे कैसे पकीजा हो जाएंगे यार तमाम सही है आप लोग बड़े सबसे पहले तो आपका जो मेरिटल इंस्टीट्यूट है खानदान का सबसे पहले तो वो टूटना शुरू होगा। है, हैं आ, और आ, मैं ए, एक, एक बड़ी मिथ है जो मुझे बड़ी भी है जो हमारे यहां लोग कहते हैं ना कि बड़े बड़े यहां से भी कुछ लोग शिफ्ट हुए हैं और जी हम, हम, हम हमारी जो बेगमात हैं हमारी जो बहनें हैं वी फील आर वेरी सिक्योर इन मुल्कों में रात को अकेले जी डे ट्रेवल करते मैं अल्लाह के बंदो सुपरमार्केट से रात हैं मैंने शायद पहले भी काफ़ी कभी जिक्र किया हो मैं वायलिन यूनिवर्सिटी दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट फिफ्टीन ईयर्स अगो Uh, दो तीन दफ़ा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से ए दो दफ़ा तो मुझे बाकायदा पुलिस ने चेक किया हुआ था नॉट बिकॉज उन्होंने कहा कि के आप के भी नहीं, नहीं हाँ हा, वो तो नहीं बस असल में वो मेरी ना हुआ दोनों दफ़ा ये हुआ था <laughs> कि एक दफ़ा तो खैर बिल्कुल ही आई वॉज वेरिंग ब्लैक ट्राउजर्स एंड ग्रीन जैकेट और एक ना बीनी ब्लैक बीनी पहनी हुई थी तो उन्होंने कहा जी वी हमें ना छः फुट का बंदा प्लस हाइट और ब्लैक ट्राउजर ग्रीन जैकेट में मिला एंड उसके ऊपर इल्ज़ाम आया कि उसने कोई रेप किया है तो वो चेक करना है एंड दिस हैपन है एक और सेकेंड टाइम और हम स्टूडेंट एरियाज में रहते थे और मेरे घर से दो गलियाँ छोड़ के हुआ था एक दफ़ा और एक और दफ़ा मेन स्टूडेंट और ये मेरे मल्टीपल दोस्तों के साथ भी हुआ था आपकी लोकल न्यूज़पेपर एवरी अदर डे दे वाज अ रेप केस और ये इतना अजीब कॉन्सेप्ट लोगों ने बनाया हुआ कि जी सिक्योर है बिल्कुल कोई सिक्योर नहीं रात को तो आप जाएँ तो बहुत डेंजरस है अच्छा मैं मेरे जी साथ दो दफ़ा हो चुका है मैं मुझे याद है यूनिवर्सिटी में वायल वॉकिंग एट नाइट हम लोग कहीं लाइब्रेरी में बैठे थे लेट नाइट वापस आए वीक डे नॉर्मल नौ, यानी वेंसडे नाइट को फॉर एक्जाम्पल वहाँ बैठे हुए लाइब्रेरी हमारी तकरीबन दस बजे बंद होती थी वहाँ से निकले और कोई बहुत लेट भी नहीं था दस बजे बंद हुई चलते चलते साढ़े दस हो गए होंगे एंड वॉक करके वापस जा रहे हैं अपने डॉम्स की तरफ एंड रास्ते में पुलिस ने रोक लिया गैस कम आउट एंड आपसे सवाल जवाब करते हैं

पर बाद में पहुंच के चेक कर रही होती है तो ये एक बड़ा मिसकनसेप्शन है लोग समझते हैं कि जी वहाँ पे जी हमारी बिल्कुल भी नहीं है और दूसरे एक और चीज़ जो कॉन्सेप्ट है ना कि नहीं यार उन लोगों ने सब कुछ देखा होता है तो बड़ा उनका ना बहुत होता, होता ही नहीं तो so, मेरे साथ वाला आई वॉज वर्किंग ना जो दो तीन गोरे लड़के यंग थे ना एवरी माफ़ करें लंच टाइम पे जब बाहर निकलते थे वो सिर्फ जो वर्ड यूज करते हैं सबको पता है लेकिन hmm. आ, वहाँ पर कॉमन है कुछ चीजें करना मुश्किल है ना तो हमारे से पचास गुना वो आगे समझता था माशरे को वो सब जानते हैं कि क्यों वो मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को चीट करना ये वो पार्टनर्स कपल्स ये क्यों होता है बिकॉज एक्सेस टू दैट थिंग इज़ एक्चुअली इजी और इसी तरह ये कंटेंट ये जो कंटेंट का एक्सपोजर है दिस इज इज़ी टू अंडरस्टैंड एंड कंज्यूम और डाइजेस्ट कि जी एक्सपोजर टू कॉन्टेंट बेसिकली फ्रस्ट्रेट यू दिस इज ईजियर टू अंडरस्टैंड दैन द अदर नेगेटिव और बेसिकली हम हमारा जो दीन है इस्लाम कितनी देखें इसके जो रियल सोल्यूशन है ना रियल सोलूशन टू दिस प्रॉब्लम वो हमें हमारा दीन देता है बेशक कुछ ऐसे फैक्टर्स इस्लाम आइडेंटिफाई करता है जिससे मुआरे में ना प्रॉब्लम पैदा होती हैं तो बहुत सारे हैं इस्लाम तो एक मॉल माशरा कायम करने की कोशिश करता है जिसमें वो मेन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करता है जैसे झूठ बोलना एक मेन बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे तबाह हो जाती है मोरालिटी इसी तरह कत्ल करना या इसी तरह उनमें से एक है यानी इलीगल Uh, illicit sexual इंटरेक्शन hmm. यानी जिसमें कोई हादी ना हो कोई दरमियान में कदगन ना हो hmm. जैसे कि उन माशरू में ये इस्लाम आइडेंटिफाई करता है वन ऑफ द बिगेस्ट वन ऑफ द बिग फैक्टर कदगन को भी आप बता दें लोग ah. क्या होता है हमारा दीन हमें बताता है देखें चंद हमें सबको पता है लेकिन जस्ट टू डिस्कसिंग दिस थिंग मर्द जो है वो अपनी नजरे नजरे नजरों को नीचे, ले। नीचे कर लें हटा लें डोंट सिंपल अगर एक भूखा लट से उसको आप बार बार भुनावा गोश्त दिखाएंगे खुद देखेगा तो ज्यादा होगा ना लेकिन एक बार अगर उसने खाना खा लिया जी जी

नीडिड टू स्पेयर सम टाइम टू पुट फॉर्व अ लेंथ ही आया इन दिस रिगार्ड सो तो नूर आयत नंबर इकत्तीस की मैं बात कर रहा हूँ hmm. कि अल्लाह तौला फरमा रहे हैं कि ममिन औरतों से भी कह दो कि वो अपनी निगाहें नीचे रखा करें नंबर वन फिर अपनी शर्मगाओं की हफाजत करें जो कि मर्दों को भी कहा है पिछली आयत में उसकी हिफाजत करें हर तरीके से फिर अपनी आरइश और जेबो आराइश यानी ऑर्नमेंटेशन एंड अडोनमेंट उसको मत ज़ाहिर करें सिवाय उसके जो जाहिर हो मतलब आपका कद काठ या जो भी जो चीज़ें आप नहीं छुपा सकते सिवाय अपने खावंद अपने बाप अपने ससुर अपने आ, आ, खावंद, खावंद की दूसरी बीवी से अगर बेटे हैं उनके अपने मामू चचा भांजे भतीजे फिर आगे अल्लाह एंड तक अल्लाह तारा ने एक एक रिश्त को चीज़ छोड़ी नहीं कि उन औरतों जो औरतों से अपनी किस्म की औरतों से और लोंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुदाम के जो औरतों की ख्वाहिश ना रख, रखें रखे या ऐसे बच्चे जो औरतों के पर्दे की चीज़ों से वाकिफ नहीं है यहाँ तक अल्लाह ताला ने इस डिटेल तक किंग ऑफ द किंग्स जा रहे हैं जी। आपने शुरू अच्छी है। बात है कि एक छोटे से बात ऑफ द किंग्स आपने कहा अल्लाह आपका क्रिएटर है आ, आपके लश्ट को क्रिएट करने वाला exactly. सेक्सुअल डिज़ायर को क्रिएट करने वाला अल्लाह yes. ताला की जात है yes. और वही बता रही है कि आपने इसका सही इस्तेमाल क्या है hmm. कंट्रोल कैसे किया अच्छा दोनों को, है? है hmm. Hmm. दोनों को कहा है देखें बैलेंस है बिल्कुल दोनों को कहा है मर्दों को अपनी जगह पे कहा है क्योंकि अल्लाह ने मर्द को पैदा किया उसको अल्लाह ताला ने दिए हैं टेस्टोस्टेरोन और उससे जो भी ख्वाहिशात पैदा होती हैं इसी तरह एस्ट्रोजन औरत को दिया है उसको अपनी जगह बताया है अल्लाह को क्रिएटर को जैसे आपने कहा उसको ज़्यादा सही पता है कि किसको कितना किस किस लिमिट में रखना है अच्छा इसमें उमर भाई ये भी है कि जितने भी पॉसिबल डिज़ायर्स हो सकते हैं ना वो सारे अल्लाह को पता है ना कि ये भी डिजायर हब्बू शाहवात में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं यानी कि अनसा भी है और फिर उसके बाद वेल्थ भी है और घोड़े भी हैं और ये सारा तो हमें ना इस्लाम ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल हर चीज़ को बंद कर दें रादर हमें चैनल देता है कि ये उसका हलाल तरीक़ा है और ये उसका हराम तरीक़ा है सो फॉर एग्जांपल अगर आपके डिज़ायर्स हैं आप यू गेट मैरिड यू हैव अ स्पाउस यू हैव अ पार्टनर एट द सेम टाइम अगर ये सारे एवेन्यूज़ जो हैं वो हराम है इस तरफ नहीं जाना फिर खाने पीने की बात है ये सारी चीज़ें आप खा पी सकते हैं खंजीर का गोश्त आपके लिए हराम कर दिया शराब हराम कर दी वगैरह वगैरह वो एक छोटी सी लिस्ट है जो बता दें ये हाँ यहाँ नहीं जाना ये आपके लिए अलाउ कर दिया एंड लाइक वाइज विद एवरी थिंग आपने बिजनेस करना है ज़रूर करें सूद ना करें रिश्वत ना लें चोरी चकारी ना करें यानी हर चीज़ में अल्लाह अल्ला ने हमें हमारे डिज़ायर अच्छा इवन एन है ना एन अब हमें हसद नहीं करना चाहिए लेकिन नबी करीम ने फरमाया अगर आपने किसी का रश करना है तो उसका कर लो जिसको अल्लाह ताला ने या इल्म बहुत दिया है और वो अल्लाह का ये दिया हुआ इल्म फैलाता है या जिसको माल बहुत दिया गया है और वो अल्लाह की राह में खर्च करता है तो आप उससे रश करते हो हाँ, चैनलाइज किया कि अगर आपने करना ही है ना तो ये कर लो लाइक वाइज अगर आपने हसद और रश्क में फर्क भी है ना हसद में तो आप चाहते हो कि दूसरे से चीज छिन जाए तो ये है कि आप उससे इम्प्रेस होते हो हो चाहते आई आई हैड हैड द सेम सेम गुड बिल्कुल और इसी तरह से आप देखें बाकी जितनी भी इंसान की अच्छा गुस्सा है फॉर एग्ज़्ज़ाम्पल आपके गुस्सा तो बहुत बुरा होता है नहीं लेकिन नहीं लेकिन यू नो लव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड हेट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह इज ऑल्सो अलवला उलबरा जो है ये भी इस्लाम का हिस्सा है तो अब आप देखें फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये जो गज़ा वाला मामला है इसमें आप देख रहे हो कि अल्लाह माफ़ करे हमारे बहन भाई जो हैं उनके साथ जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं अब आप कहें यार मैं गुस्सा नहीं करता मेरा नाम है तो बस चलो इसका मतलब है आपका ईमान मर गया है इसका मतलब है कि आपके अंदर ना वो ईमान की वो कैफियत ही नहीं है कि आप आपके बहन भाइयों के साथ हो रहा है और आप इतने कि आग लगा दें और ATM लूट लें नहीं कहा जा रहा है कि आप अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए जो नफरत है ना उसको भी आपने चैनलाइज करना कि व्हाट कैन आई डू नाउ टू हेल्प माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सो नो व्हाट काइंड ऑफ इमोशन और वट दैट यू कैन थिंक ऑफ अल्लाह अला सुबहता ने आपको वो चैनल करने का तरीका बताया कि उसका एक बिल्कुल लजिटमेट और हलाल तरीक़ा है आप उसको डाइवर्ट करें इस तरफ और एक हराम तरीका है और उस तरफ आपने नहीं जाना इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वादे नम नजदैन हमने तुम्हें दो रास्ते दिखाए और एक और जगह फरमाया फमहा फू रहा व तकवा अब तुम्हारी मर्जी है कि तुमने गुनाहों का रास्ता लेना है यू हैव फ्री विल यू कैन चूज दिट और यू टेक द पाथ ऑफ राइसनेस वो भी तुम्हारी चॉइस है शैतान पर शैतान का यही तो ज्यादा है कि वो जो अल्लाह ताला ने चैनल दिया ना उस पर सबसे ज्यादा अटैक है आज हमारे फैमिली इंस्टीट्यूशन पे अटैक है एक से ज़्यादा शादियों पे अटैक है तुम गर्लफ्रेंड जितनी मर्जी रखो हाँ। शादियाँ ज़्यादा नहीं कर रिलेशनशिप रखो ऐसी औरतें भी चुक हैं, चुक हैं। मतलब आ, मेरे मुझे एग्जांपल किस कहीं मैंने सुनी कि वो औरत कहती कि हस्बैंड मेरा चीट कर ले बेशक लेकिन दूसरी शादी कभी ना करे इस तरह की एग्जाम्पल्स भी हैं और इसके अपोजिंग जो हराम तरीके हैं वेलेंटाइन डे जिसकी भी बात हम करेंगे उसको बढ़ाया जाता है किया जाता है गाइस अभी हम छोटा सा सेगमेंट की तरह मूव करते हैं और फिर वापस इस टॉपिक को रिटर्न करते हैं तो आज का हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जी क्वेश्चन ऑफ़ द वीक तो आज क्वेश्चन ऑफ द वीक में हमने कहा चलो तीन सवाल ले लेते हैं तो पहला सवाल है जी एस एफ वी इस हान की तरफ से अब ये अब नाम प्रॉपर इश, ईशान आयशान की तरफ से आ, वो कह रहे हैं हे टीम विद मॉलिट्यूड आई केम अक्रॉस योर यूट्यूब चैनल रिसेंटली एंड लव्ड योर वीडियो ऑन कंस्पिरसी थ्योरीज

मेरी ज़िंदगी में और भी बड़े काम होते हैं मैं वीडियोस कतान एडिट खुद नहीं करता हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी मीडिया की टीम है जो आपको इस वक्त नजर नहीं आ रही ये माशाल्लाह कैमरा के पीछे होते हैं कभी कभार कैमरा के आगे भी आ जाते हैं हमारी स्टोरीओं में या कभी वैसे हम इनका जिक्र खैर कर दें तो आ जाते हैं लेकिन माशाला हमारे पास पूरी टीम है वो हमारी वीडियोज़ को एडिट भी करते हैं और उसको रिकॉर्ड भी करते हैं और माशाला बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं लेकिन जब एक ज़माना था जब आप भी करते थे हाँ एक ज़माना था कि हम मीडिया की रिकॉर्डिंग भी करते थे एडिटिंग भी करते थे पोस्टर भी बनाते थे लेक्चर भी खुद ही देते थे सब कुछ सब कुछ, कुछ, कुछ करिएगा वो अपनी

ये होता है क्रिएटिविटी हाउ कैन यू इनेबिलिटी इनेबिलिटी मैं मैं इन अच्छा तो यूज़ फोटोशॉप आपको भी कुछ कुछ पे कि 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 वो वो पोस्टर्स जो जो है ना दिखा दें आपको यकीन नहीं आएगा पावर पॉइंट में बने हैं इतना

करें और तो अगर वो उससे गलत इस्तेमाल करें तो Allah. उसका गुना हमें भी मिलेगा बहुत ही खूबसूरत सवाल Allah. है आपका देखिए इसका शॉर्ट आंसर ये है कि अगर आपको लगता हो कि गिब गुमान ये है कि वो बंदा इसको गलत काम के लिए इस्तेमाल करेगा फिर आप उसको वाईफाई ना दें लेकिन अगर आपको पता है आपको पता ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल इसने सही करना है गलत करना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है जैसा कि इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ हमारे ओलमा बयान करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर आपने देखोगे ना वो शैम्पेन ग्लासेस होते हैं ना तो शैंपेन ग्लासेस आपको पता है कि ये ग्लास जो है ये शैम्पेन के लिए ही इस्तेमाल होगा या कुछ ग्लासेस होते हैं वो खास किस्म की अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए ही होते हैं उसमें कोई मिल्क शेक या ऑरेंज जूस नहीं पी रहा होता ये कन्फर्म वो तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो वो हर ग्लास में हर चीज ही चलती है ठीक है ना वो, वो बियर मग में जो है वो आपको मिल्क शेक भी सर्व कर देंगे और शैम्प ग्लास में आपको जूस भी पिला देंगे मतलब वो हमारे यहाँ तो कोई तो ये भी चलती है। हाँ तो लस्सी भी पिला देते हैं कोई स्ट्रॉ लगा के तो पॉइंट इज के हमारे यहां तो इनशाला कोई मसला नहीं है यहाँ पे तो मतलब ग्लास जिस तरह भी हो जाए इस्तेमाल इट्स नॉट अ बिग डील बट बाहर फॉर एग्जाम्पल अगर आप रहते हैं यूरोप में तो इट इज़ मतलब 99% चांस ये है कि अगर आप किसी को ये वाला ग्लास बेच रहे हो एक पर्टिकुलर टाइप का इसका गलत इस्तेमाल होगा तो उस केस में उलमा कहते हैं कि फिर आपको वो ग्लास नहीं बेचना चाहिए आप इसको सेल ही ना करें इसी तरह से वाईफाई की अगर आप जो ना मतलब मिसाल मिसालें अगर आपको पता है कि ये बंदा जनरल यूज़ करेगा फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए या कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई नॉर्मल सा कॉन्टेंट वो देखेगा फिर नफ दैट्स ओके बट अगर आपको यकीन हो कि ये ब, बच्चा या स्टूडेंट या हुएवर इट इज़ ये इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो फिर आपको उसको

रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना यानी कि आपने फॉर एग्जांपल दुकान पे जाते हैं वहाँ पे दुकानदार मेल है आप खातून हैं आगे दुकानदार मर्द है अब क्या करें बात ना करें उससे बात तो करनी पड़ेगी लेकिन आप एक एक तरीके में करते हो ना यानी कि आप ज़्यादा फ़्रैंक नहीं होते हैं उनके साथ यू यू कीप इट प्रोफेशनल यू कीप इट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप टू द पॉइंट बात करते हो नंबर टू ये कि आप प्राइवेटली uh, बात नहीं करते अकेले में बैठ के बात नहीं करते क्योंकि जब भी दो नामहरम एक साथ होते हैं तो तीसरा बीच में शैतान होता है तो इसको आप यानी इस खलवत को आप अवॉइड करते हो आ, तीसरी चीज़ यह है कि आप कोशिश करते हो कि ये बार बार ना हो यानी कि ये जो मीटिंग है ऑपोजिट जेंडर के साथ इट शुड नॉट बी अकरिंग अगेन एंड अगेन अगर एक आध मीटिंग से बात हो जाती है तो अलहमद लाला वी कैन डील विद दिस लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको एक आदत ना बना लें कि बस अब तो चलो हो ही गया तो अब तो नॉर्मल हर मामले में ये बात चल रही है इस तरह नहीं होना चाहिए तो इन इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखें तो यू कैन डू इट एंड अगैन थोड़ा सा बीच में मैं डिस्क्लेमर ये भी दूंगा कि ये भी डिपेंड करता है कि सोसाइटी किस टाइप की अगर आप कहें कि जी मैं लट्से uh, uh, कोई डांस एंड कल्चर सोसाइटी है तो फिर बरए मेहरबानी है तो इसमें और भी बड़े मसले मसाइल हैं लेकिन अगर आप कहते हैं साइंस सोसाइटी है या लेट्स से कि कोई आईटी की कोई पर्टिकुलर यू नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कोई सोसाइटी बनी फेर एंड आफ दैट्स ओके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनी हुई है फेर एंड थिंग इज़ दिंग ये भी ख्याल रखें कि आखिर हमारा उस सोसाइटी को ज्वाइन करने का मकसद क्या है इन नामाल बिनियात आमाल का दार बदार नीयतों पर होता है तो उसको भी प्लीज़ ज़रूर चेक करें गाइज हम आ, अगली बात की तरफ मूव करते हैं और इससे पहले कि हम जरा वैलेंटाइन डे को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें हाल ही में इलेक्शन हुए मैंने कहा मैं ज़रा आपसे ज़रा पता करूँ कि भाई इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं अल्लाह तौल हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और आ, पाकिस्तान को हर किस्म के अंदरूनी बैरूनी फ़ितरों से महफूज रखे ये हमेशा ना ये सवाल रहता है कि हू टू वोट फॉर और हमने ऑल दो इसके ऊपर पहले एक पूरी डिटेल में पॉडकास्ट भी की इलेक्शंस के बारे में बात भी की तो आप लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जब आप फॉर एग्जांपल वोट कास्ट करने जाते हैं तो मैं जानना चाहूँगा एक एक चीज़ बताएं कि व्हाट इज़ द मेन थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर इन देंडिडेटिंग अच्छा सवाल है लेकिन आपकी एफिलिएशन सामने आई हमारे <laughs> और जी 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 जी। चले, चले, वो भी क्या आपने किसी पार्टी के साथ जो है वो ज्वाइन है हैंड्स किए हैं और उनको सपोर्ट किया असल में देखिए हमारा यूथ क्लब का मैजर है अब चूँकि पूछ लिया आपने तो मैं ऑफिशियल मौका फर्ना बयान कर दूँ uh, यूथ क्लब जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन सेक्टेरियन इदारा है हम लोग हमेशा से ये बात क्लेम करते हैं हमारा मेन काम जो है वो दीन की बात करना लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना यही है आ, शायद जिन्होंने किया शायद बिखाल वो जज्बात में कभी कभार कुछ लोग कह देते हैं तो हम किसी को यानी बजाय के बैश करें या वो बुरा भला कहें या कुछ और कहें हम कहते हैं जो भी खैर का काम कर रहे हैं अलहदुल्ला सारे लोग अच्छे हैं जो भी दीन की बात करें जो भी खैर की बात करें जो माशरे में पॉजिटिव चेंज लाने की बात करें हम सबको चाहे उनका ताल्लुक किसी पार्टी से भी हो जो भी खैर की बात करते हैं ना हमारा हिस्ट्री रही है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम वी ट्राई टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड जहाँ पे भी चाहे हमारा कोई दुश्मन भी हो ना कोई वर्स्ट अपोनेंट भी हो वो भी अगर अच्छी बात करता है तो हम कहते हैं यार जो बातें इसकी बाकी अपनी जगह ये बात बड़ी अच्छी की है उसने तो इस अतबार से मैं समझता हूँ कि हमारा स्टैंड हमेशा से काफ़ी बैलेंसड uh, और न्यूट्रल रहता है कि हम कहते हैं कि विच एवर पार्टी विच एवर पर्सन विच एवर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग द राइट थिंग एज पर द कुरान एंड सुन्ना एज़ पर द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह सपा एंड द प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सपोर्ट हमेशा उनके साथ होगी उस पर्टिकुलर इशू में हाँ उसके अलावा देखें आ, ये नहीं हो सकता दो सगे भाई भी हो ना उनमें भी इख्तलाफ हो जाता है द पॉइंट इज हम किसी की हर किसी की हर बात को इंडोर्स नहीं करते ये तो फिजिकली इंपॉसिबल है ना कि आप कहें कि किसी बंदे को मैं जी इसकी हर बात को इंडोर्स करूंगा ऐसा तो यानी सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के ये इतना ब्लाइंड अडेरेंस तो हम किसी के साथ नहीं कर ये सकते ये तो दीन में भी इजाज़त नहीं है इस इस आपके भी साथ भी नहीं अपने हाँ एक्जैक्टली मैं खुद अपनी गारंटी नहीं दे सकता कि आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ अल्लाह तला तोफीक दे कि मेरी मेरा खात्मा खैर पर हो लेकिन हो सकता है अल्लाह माफ़ करे कल को मेरा ओपिनियन बदल जाता है या कल को मैं अल्लाह माफ़ करे ऑफ ट्रैक हो जाता हूँ तो मैं तो अपनी गारंटी नहीं दे सकता तो किसी और की गारंटी क्या दे द क्वेश्चन भाई मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी शहरी हर पाकिस्तानी मुसलमान को जो है ना नाइव नहीं होना चाहिए कि सुनी सुनाई बातों पे जो है ना वो समझें कि ये पार्टी ठीक है वो ठीक है थोड़ा सा बंदा पास्ट हिस्ट्री देखता है थोड़ा सा रिसर्च करता है होलिस्टिक पिक्चर uh, को देखता है कि पाकिस्तान के हवाले से पहले किस uh, जो है जमात की वो क्या रही है तो उस हवाले से सोच के मेरे ख्याल से हर बंदा फ़ैसला कर सकता है कि हमारे मुल्क के फ्यूचर के लिए उमर भाई आपका मेरा कोई ऐलान नहीं है मेरे कोई अपने हमारा स्टैंड हमेशा से नॉन पोलिटिकल और नॉन सेक्टेरियन रहा है मेरी तरफ से कोई ऐलान नहीं अगर मैंने ऐलान करना होगा ना तो आपको पॉडकास्ट में ऐलान कर दूंगा मेरे पास बहुत सारे एवेन्यूज है ऐलान करने के सोशल मीडिया है मैं स्टोरिया डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे आप लोग चेक करते हैं की टाइम तो अगर इतनी बड़ी बात होगी अगर मैंने

बात करे बंदा जो इजहार भी मुश्किल है, कुछ, है, भी नहीं सकते। मजबूर <laughs> है कुछ सह भी नहीं सकते <laughs> इससे आगाज़ करें अपनी बात अल्लाह <laughs> अकबर आपने आसान कर दी मेरी बात यानी जितना इस वक्त बेड़ा ग्रक हुआ है जो चल रहा है सबके सामने इवन हमारे क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने है तो फिर भी हमें ना उसूल के साथ चलना चाहिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है देखें अल्लाह की तरफ से भी ना एफर्ट करना हमारे पे लाजिम है रिज़ल्ट हमारे पे लाजिम नहीं है सो वी हैव टू डू और सपोर्ट द राइट एफर्ट इन ऑल सर्कमस्टेंसिस रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ दें क्योंकि रिज़ल्ट का हिसाब किताब नहीं होना आपसे आपने क्या किया इसका सवाल होगा तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जो भी हालात हैं जैसा भी जो कुछ भी चल रहा है ट्राई टू तो, जैसे मेनली तो वही बात है जो आपने कर दी है कि ट्राई टू फाइंड द बेस्ट ऑप्शन हु इज़ ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट Or or uh, आहकाम, hmm. Hmm. Quran और सपोर्ट और इन्फोर्स अल्लाजिंग कुरान और सुन जिसके जो, जो पाकिस्तान का दस्तूर आइन हैदारेगा इसको जो भी इम्प्लीमेंट करने की hmm. कोशिश कर रहा है इस चीज़ hmm. को और इसके इसको सपोर्ट करने वाली एक और जो चीज़ हमारे यहाँ मौजूद है कि नथिंग कैन भी नो लेजेशन कैन भी जो भी इसको करने की कोशिश कर रहा है ये एक अलग बात है कि उसके, उसके अंदर भी कुछ मसाइल हैं या नहीं है ऑफकोर्स हम सब की एक लिमिट है जहाँ तक हम देख सकते हैं बाकी अल्लाह पे। आप अपनी इस्ताहत तक देखने की कोशिश करें जहाँ पे आपको नजर आए आ, बस एक आप जो भी कह लें एक अल्लाह से दुआ मांग के आप अपना वहाँ पे रोल प्ले कर दें जो आपको सही लगा है इसमें यह भी हो सकता है इवन कि इवन लेट एक पार्टी का पूरा ओवरऑल मैनीफेस्टो ऐसा है कि वो चाहते हैं कि ये कुरानो सरना इंप्लीमेंट हो इस्लामी निज़ाम आए लेकिन लेट्स से आपके इलाके में एक बंदा ऐसा है उसी पार्टी का जो इवन नमाज भी शायद नहीं पढ़ता सही तरीके से लेट्स से लेकिन एक और पार्टी का ऐसा बंदा है जो नमाजी है आप रोज़ जाते हैं आपका उससे सलाम दुआ होती है कम से कम नमाजी है और आप ये देखते हैं कि आपके इलाके में ना वो अल्लाह का निज़ाम या दीन या खैर और जस्टिस की बात करता है बात करता और करता भी है शरीफ बंदा है सही तो मे बी इन दैट केस यू कैन इवन स्किप दैट पार्टी और गो फॉर ये भी हो सकता है यानी फाइनली आपका पर्सनल इश्हाद है अल्लाह से दुआ मांगें इसतखारा को कभी ना भूलें

एंड uh, यही दोनों ऑप्शन हैं कि यू यू पिक द कैंडिडेट एंड द पार्टीज का बेसिकली मिक्सचर है एंड ये वही बात है हल्का टू तो हल्का वेरी करेगा आपके पास आपके पास क्या ऑप्शन हैं हर हल्के वाले के पास अपनी ऑप्शन हैं तो उसमें आप बस अल्लाह uh, ताली से दुआ करके आपको जो लगता है कि समन हु इज़ क्लोजर टू दीन और दीन पसंद एटली और हो सकता है कभी और यार मेरे तो कोई हल्के में एक बंदा भी ऐसा नहीं जो दीन पसंद हो सो so, आपने उसमें लेसर ऑफ़ की तरफ चले जाए हाँ बिल्कुल क्योंकि exactly. कई उलमाना तो, जो है वो जब इंटरनेशनली फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका या यूके में वोट डालने की बात आती है तो उसके बारे में वो मुसलमानों को ये अर्ज करते हैं कि आप ज़रूर वोट डालें उसको डाल दें चलें अगर आपको दोनों ही बुरे लग रहे हैं तो जो कम बुरा है उसको डाल दें क्योंकि अगर वो शायद मुसलमानों के लिए लेसर ऑफ अ थ्रेट होगा दैन दी अदर वन और अगर आप खामोश रहते हैं और आप नहीं डालते तो हो सकता है कि आपके वोट ना डालने की वजह से एक बंदा जिसको इकतदार में नहीं आना चाहता वो आ गया सो so, बहरहाल ये कुछ कई एक वैरायटी ऑफ ओपिनियंस वराइट मैंने जो बात की ना उसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ क्योंकि बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात करनी चाहिए क्योंकि हम सब ये बात करते हुए भी अगर कोई फॉलो सुन के उस तरह अपना व्यू बना लेता है तो अल्लाह के सामने हम भी जवाब दें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हमसे अगर कोई इसमें गलती है तो अल्लाह तारा हमें माफ़ फरमाए और हमारी इसलाफ फरमाए ये भी मैं साथ कहूँगा और ये भी मैंशन करूँगा कि अगर आपने वो कैंडिडेट देख लिया जो कि नमाजी है लेकिन अगर लेट से उसकी एफिलेशन कोई बिल्कुल किसी ऐसी पार्टी के साथ है जो ऑफन गोज पैरल इस्लामिक टीचिंग वे है mm. मैं नाम नहीं लेता लोग समझदार हैं दैन मे बी यू शुड थिंक ऑफ सम मे बी देन यू कैन गो फॉर दर पार्टी या मतलब इट इज़ डिफिकल्ट इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड आस्क्रा फॉर एंड वॉट एवर डिसीजन यू कैन जस्टिफाई बिफ़र अल्लाह ऑन द डे ऑफ जजमेंट वो फैसला बड़े सोच समझ के करना चाहिए आई थिंक अब तो चलें जिस तरह भी प्रोसेस है सो है लेकिन आई थिंक हमारे ना हमें विद एवरी इलेक्शन आई थिंक हमारा जो आई क्यू लेवल है ना वो थोड़ा ऊपर जाना चाहिए और हमारी जो सोशल अवेयरनेस है वो भी ऊपर जानी चाहिए कि वॉट आर द क्राइटेरिया टू कीप इन माइंड बिकॉज ऑब्वियसली एक हर बंदे के ऊपर एक रिस्पांसिबिलिटी होती है अच्छा मूविंग बैक टू द टॉपिक जिस पर हम बात करे थे हम लोग सोशल uh, मीडिया से और ये जो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड बात हुई थी वेलेंटाइंस डे का तजकर भी बीच में आया अब ये जो uh, हर साल ही आता है और लोग इस पर बात भी करते हैं द थिंग इज़ इसके कई लोग इस जाल में फंस जाते हैं इश्क आश्की वाले में और खास तौर तो पर इसको ये सेलिब्रेशन की बात समझी जाती है तो सबसे पहले तो मैं आ, उन बिज़नेस से गुजारिश करूँगा कि जो वैलेंटाइन डे के ऊपर डेकोरेशन करते हैं और इसको प्रमोट करते हैं अल्लाह ताली की ना सख्त वईद है उन लोगों के ऊपर कुरान मजीद में जो सिर्फ पसंद करते हैं कि मुसलमानों के बीच में फाशी फैले और ये चीज़ स्प्रेड हो तो इमेजिन करें कि जो सिर्फ यानी ये नहीं कहा जो फुहशी कर रहे हैं या फ़ौज काम कर रहे हैं या उसमें इंगेज कर रहे हैं या वैलेंटाइन डे के ऊपर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेट पे गए हुए थे कि उनकी बात नहीं हो रही है बात हो रही है वो लोग जो सिंपली पसंद करते हैं कि मुस्लिम माशरे के अंदर ये चीज़ फैल जाए उनके ऊपर दुनिया आख़रत के अजाब की वईद है अब आप सोच कि कितनी बड़ी बात है तो कई हमारे यहाँ पे स्टोर्स हैं बिज़नेस के पीछे अपना दीन बेच डालते हैं अपने बिज़नेस के पीछे डेकोरेशंस uh, भी करेंगे प्रमोट भी करेंगे वैलेंटाइन डे पे सेल्स भी लगी होंगी फिलहाल अब यानी सारा कुछ हुआ होता है तो सबसे पहले तो मैं उनसे मुखातिब हूँ कि प्लीज़ थोड़े से होश के नाफन लें कि आप किस डायरेक्शन में जाए जा एक और चीज़ भी मैंशन करते हैं आपने कुरान की आयत सोत तो नूर की आयत है जो आपने की है तशी अल्फाइशा जो है बड़ी अच्छा आपने रेलिवेंट कोट कर दिया आयत नंबर उन्नीस ये एक तो एक कई और चीज़ें हैं जो प्रिंसिपली हमें पता होनी चाहिए इस तरह के बिजनेस ओनर्स को या जो लोग इसमें खुद इंडल्ज हो रहे हैं वैलेंटाइंस डे या वीक वट्स एवर दे कॉल कि ना सिर्फ़ अल्लाह अल्ला ने ये मना किया है कि स्प्रेड करना ख़ुद भी इंडल्ज होना तो कैटेगोरिकली मना है ये एक प्रिंसिपल हमें समझ लेना चाहिए कि कुरान में अल्लाह ने मेंल तरमाया बिर्र व तकवा ताउन करो नेकी और तकवा के कामों में वला इस्म वलहा तावन और मत ताउन करो डोंट सपोर्ट आ, बुराई और जुल्म के कामों में इसके साथ नबी करीम ने एक जगह पे जहाँ ये फरमाया ना मंदल आम सही मुस्लिम सही हदीस है सही मुस्लिम की ़लबन के जिसने किसी खैर या अच्छे काम की तरफ फैसिलिटेट किया ना रहनुमाई की नहीं। नहीं। उसके लिए भी वही अजर है जो खैर करने वाले के लिए इसका अपोज़िट भी ट्रू है और वो भी हदीस मौजूद है कि अगर आपने फैसिलिटेट किया बुराई की तरफ ना तो आपके भी जिम्मे आएगा वो बुराई का काम जो आगे जितने लोग कर रहे होंगे hmm. ये बहुत बड़ी बात है यू डोंट वॉन्ट टू टेक द बर्डन ऑफ़ द दिन ऑफ़ अदर्स ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन जिस दिन बंदा एक एक नेकी के पीछे भाग रहा होगा और कोई उसको नहीं दे रहा होगा तो ये हमें प्रिंसिपल जेन में रखने चाहिए कि फिर ये अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक फरमाया अनाम की आयत नंबर 151 फिफ्टी वन है एक सौ तो इक्यावन वोला hmm. तक्रबल वम वमा बतन देखें ज़्यादा भाई अल्लाह ताला ने तो फ़रमाया कि जी फाहाशी के करीब तक ना जाओ चाहे वह ज़ाहरी हो या छुपी हुई हो वैलेंटाइंस mm. डे इसमें होता क्या है मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज टू से दैट और इमेजिन दैट दैट सम पीपल माइट बी क्वेश्चनिंग कि इसका फहाशी से क्या ताल्लुक है आई मीन आई यू सरप्राइज इन दिस टूडेज़ लोग इवन यहाँ तक सम हाउ अन अवेयर हैं कुछ mm. हमारे मुस्लिम बहन भाई अल्लाह सलामान तला ने हमें जैसे हमने पीछे सो तो नूर आयत नंबर इकतीस मेंशन की तीस और इकतीस के मर्दों को भी अल्लाह ताला ने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने की और नज़रें झुका के रखने की या इन तरह की चीज़ों पर नज़र डालने से मना फरमाया इसी तरह ख़वातीन को अल्लाह ताला ने कुछ रूल्स बताए हैं कि आप ये 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 काम करें और ये नहीं कर सकते यानी अडोमेंट ऑर्नामेंटेशन करके आप नॉन महरम्स के सामने नहीं जा सकते वैलेंटाइंस डे में मतलब इवन द बेस ऑफ वैलेंटाइंस डे जिसमें आज कल यानी लड़का लड़की उनके दरम्या जो अफेयर होता है वो बेस ही यहाँ से शुरू होती है कि लड़के लड़कियों ने लड़के और लड़कियों ने वो काम किए होते हैं जो अल्लाह ने मना फरमाए हैं अगर लड़का लड़का कर दे तो फिर ठीक है <laughs> <सुछान आरे laughs> Al Even worse, hmm. this hmm. is, and that's also Achha. in Quran. So I'm going to put a question uh, for you guys, और वो ये है कि I'm sure कई हमारे uh, listeners, viewers जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि जिया भाई मसला ये है कि मैं already एक हराम relationship में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ मुझे नहीं समझ में आ रही क्योंकि वैलेंटाइन डे पे मेरे से एक्सपेक्टेशन है कि मैं वी विल गो आउट टुगेदर वी विल गो आउट ऑन अ डेट वी विल गोट टू अ रेस्टोरेंट विल ईट विल डू दिस एंड दैट अब मैं क्या करूं मुझे आप मैंने गलती से आपकी पॉडकास्ट देख ली या जानबूझ के देख लिया जो कुछ भी हुआ नाउ आई डोंट नो वट टू डू आई एम आई आई फियर अल्लाह आई वॉन्ट टू टर्न बैक टू अल्लाह अला लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस रिलेशनशिप से बाहर कैसे निकलूँ और फिर ये भी सवाल होता है कि क्या अगर मैंने किसी का दिल तोड़ दिया फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का है वो कहता है कि अगर मैंने अपनी गर्ल को आज कॉल की और कहा कि देखो शुमाइला बात सुनो मैं मजीद तुम्हारे साथ रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकता क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ तो उसका दिल टूट जाएगा तो दिल इज़ इक्ल टू टूट जब हो जाएगा तो मुझे गुना मिलेगा इसका और अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए क्योंकि मैंने किसी का दिल तोड़ दिया ठीक है तो फिर वो एक शेयर भी पढ़ते होते हैं ढा दे मस्जिद ढा दे मंदिर ठीक <laughs> <laughs> so, है धा दे जो कुछ धंधा ठीक है तो यार वो मेरी की बातें करते हैं कैसे तो वो कहते हैं कि यार मतलब मैं किसी का दिल तोड़ दूँ तो ये कैसी बात है और फिर ये कोई ख़ातून भी सोच सकती हैं कि जी मैंने अगर जहाँ भी आपकी बात मान ली और मैंने किसी के साथ वो ब्रेकअप कर दिया तो वो तो उस बेचारे का दिल टूट जाएगा वो तो बड़ा नाराज़ हो जाएगा वो तो मुझे बद देगा तो अल्लाह ताला तो मुझे नहीं माफ़ करेंगे इस चीज़ के लिए तो इसका सवाल ये जो बड़ा प्यारा सा और मासूमाना सवाल है खुरम भाई आप सबसे पहले इस पे बताएं क्योंकि आप माशा

तेरी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है अल्लाह <laughs> तो कोई कमाल कमेंट ऊपर से इंडियन उर्दू लिखी हुई है।, है तो खैर काफ़ी हिलेरियस है तो अच्छा चले आपका जो सवाल है जब अभी असल में बड़ा स्ट्रेट फॉर्वर्ड है कि मुझसे भी अक्सर लोग कभी पूछते हैं जी कैसे निकला जाए और यही जो आपने सवाल किए लोगों की ये कन्फ्यूजन होती है कि जी अगर दिल दुख जाए तो पॉइंट ये कि अल्लाह को नाराज़ आपने किसी हाल में नहीं कर सकते सो कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको ना स्लो एंड स्टडी नहीं निकला जा सकता आपने बस निकलना है आपने अस्सलाम वालेकुम करें उनको बता दें कि यार ये हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल भी इस्लाम से इस, कोई इजाजत नहीं इस चीज़ की एंड दिस इज वेयर वी स्टॉप व्हाई 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 डू डू वी वी स्टॉप स्टॉप बिकॉज अल्लाह का हुक्म है है ठीक बिकॉज अल्लाह ताला ने क्लियरली ये मतलब इसके ऊपर तो मल्टीपल मतलब आपके पास वो है ना है एक बात जो ना खुरम ये भी होगी कि शायद फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि अगर आप वाकई में किसी के बारे में सीरियस हो ना

आ, वो इस तरह की जब कोई बात सुनते हैं ना दे की तरफ जाते हैं पूरी दिन ही नहीं हुआ तो पेरेंट्स के थ्रू जाते हैं मल्टीपल चीजें पहली तो चीज़ें पेरेंट्स के थ्रू चले जाते हैं जो दो नंबर होता है ना वो कहते हैं कि यार खत्म ही कर देते हैं वैसे भी दिल भर गया था या जो भी था वो खत्म कर भी देते होते हैं यार खत्म करने पर इतना बड़ा उनको इशू नहीं होता ठीक है जो सिर्फ आई I मीन mean, जो टाइम पास के लिए कर रहे होते हैं और एक ज्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम आता है ना वो ये है कि आ, जो सेंसियर हैं पेरेंट्स की तरफ जाते हैं इस राइट रूट रूप पे, और पेरेंट्स नहीं एग्री करते दैट्स वेयर द बिगर इज वो जेनवन चैलेंज हो तो रहा था बिकॉज वो कहते हैं यार हम तो रिश्ता करना चाह रहे हैं अब हमारे माँ बाप नहीं राजी हो रहे अब हम क्या करें उसके लिए भी उसके लिए जो सबर है ना वो नहीं करते और तो है तो खैर जो दूसरा आपका सवाल है एक्चुअली उस पर मैं बात करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि यार अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे मैंने किसी का दिल दुखा दिया ये तो बिल्कुल ही अल्लाह माफ करे बोगस सा है आप अल्लाह को पहले इन्ह नहीं के नाराज़ कर रहे हैं और इतना सख्त नाराज कर रहे हैं आप अल्लाह की तरफ जब कदम उठाएंगे तो अल्लाह ताला, ताला नाराज़ किसी हाल में नहीं होंगे दिल दुखाना ये ये कोई मतलब ये ऐसे है कि यार कल को मेरा कल कल को मेरा दोस्त कह रहा है यार तू मेरे शराब भी मैं यार नहीं हो दोस्त नाराज़ होगा तो पी लेता हूँ तो ये तो इट्स बोगस कॉन्सेप्ट देखें एक सहाी वो भी थे जिन्होंने जिनके इस्लाम कबूल करने पे ना उनकी वालदा ने उनको ये कहा था कि मैं भूख हड़ताल कर दूंगी ना यानी कि मैं दो खाना पीना छोड़ दूंगी तो नबी करीम ने यह नहीं कहा कि चलो ऐसा करो आप इस्लाम ना कबूल करो क्योंकि तुम्हारी अम्मी है माँ है माँ के पाओं के लिए जन्नत है माँ जो है वो ये यानी वो सारे फजायल नहीं बताए उन्हें कहा आप इस्लाम पे ही रहें और वो खुद ही एक हफ्ते बाद उनकी जो थी उन खाना पीना शुरू कर दिया रिवर्ट करके देखें उमर भाई आप जरा ये जो करता हूँ ये जो बात हुई ना क्योंकि ये जेनवन सवाल आता है हमें मुझे mm. भी आया कई दफ़ा कि जी अब हम इसमें हैं तो अब हम क्या करें फंसे हुए हैं मतलब एंड आई नो द प्रॉब्लम वी नो द प्रॉब्लम दैट्स वाई द फर्स्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज द सेम दैट से एक्चुअली यू आर सपोज टू क्विट द हराम दराम एप एज सून एज यू हैव कम टू रियलाइज यू टू स्टॉप इट ऑफकोर्स बट इट इज मे बी अब आप एक चीज में आए हुए हैं mm. Then let's लेट्स ट्राई टू टू फिक्स द थिंग एज soon एज पॉसिबल एंड वट इज़ द सोलूशन जैसे वो कहते हैं कि एक तो यह ना कि मैं ये बताता होता हूँ कि सबसे पहले ना आप प्रॉब्लम को समझ लें कि यार अल्लाह तला को आप सख्त नाराज़ करें जैसे हुरुम mm -hmm. ने बात कर दी uh, तो आपने इसको फिक्स करना है आप सबसे पहले अपना ओरिएंटेशन अपनी जो है ना अंडरस्टैंडिंग ठीक करें इस बारे में दोनों नंबर टू यू हैव टू नाउ स्टॉप इट स्टॉप ऑल द हराम वट वट डज दैट मीन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर डायरेक्टली एंड यू नो इ इस्लामिकली इ वो आपको छोड़ना पड़ेगा फिर पेरेंट्स के पास आपने लेके जानी है बात ज़ाहिर है दोनों राज़ी हैं वो तो उनमें तो मसला नहीं है पेरेंट्स में मसला आता है जैसे हरमान ने कहा तो वहाँ पर वाकई बड़ा मसला आता है लोग कहते हैं वहाँ पर क्या करें अब ये तो डेड डेड एंड नहीं डेड एंड नहीं।, नहीं है देखें अल्लाह ना अल्लाह इज़ यानी अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स अल्लाह गफूर रहीम है देखें एक सोत फुरकान में जहाँ अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी अपने रहमान की खसूसियात बताई है ना तीन बड़े गुनाहों का जिक्र किया है।, है उसमें जना का भी जिक्र किया है वला यजनून ये भी फरमाया है लेकिन आगे अल्लाह ताल बात फ़रमा रहे हैं कि इल्ला मन व व आमन अमिल ना देखें अल्लाह की अल्लाह को समझने की कोशिश करें अल्लाह तौर फ़रमा रहे हैं कि लेकिन अगर तीन बड़े बड़े गुनाह कतल शिरक कतल और जना लेकिन अगर किसी ने तोबा कर ली और ईमान पे कायम रहा ईमान लाया और अमले सौ करता रहा यानी तौबा तो पर कायम रहा देखें अल्लाह ताली क्या करते है हैं ज़या भाई अल्लाह फरमा तरमार्ला के यु बद दिल्ल आतीम हसनात मैं ना उसके गुनाह जना अल्लाह शिरक ने किसे बदल दूँगा अल्लाह ऐसे हैं वट यू कैन डू इज़ रिपेंट सिंसैरिटी के साथ अल्लाह के सामने तोबा या अल्लाह गलत कर दिया बिल्कुल गलत हो गया बट वी आर नाउ एट दिस स्टेज इस्लाम डज नॉट फॉरबिड यू दो बंदे जो एक दूसरे को पसंद करते हैं इस्लाम मना नहीं करता कि नहीं 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 तुमने यानी यह या तीका गलत था छोड़ बल्कि कहता है कि सबसे बेहतरी उनके लिए हदीस है सबसे बेहतर यानी कि वो हदीस है, है, है इस तरह से करके कि हम दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान सिर्फ निका देखते हैं यानी कि इट्स बैटर कि जो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं बेटर यानी कि इस्लामी के लिए फ़िट्स यानी बंदा नमाजी है दोनों ये सब चीज़ें देख के तो निकाह करें ईनिनी पसंद पसंद करने वाले आपस में निका करना पसंदीदा है क्योंकि उसके फवाद हैं आप इस्तार करें सबसे पहले गुना, गुना नहीं करेंगे अब अल्लाह से मांगे hmm. नेवर अंडर माइंड दुआ hmm. दुआ को अंडर माइंड ना करें अल्लाह से दुआस रॉन्ग वैट यस यू कैन लेकिन उसका नाम ही अगर दुआ तो फिर तो आसान हो गया ना दुआ करें अगर आप वाकई शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से विच इज अ गुड थिंग दुआ करें या अल्लाह अगर ये हमारे लिए अच्छा करें और इसी से गिर अल्लाह से दुआ मांगे अच्छा, उसके लिए आपको अपने आपको ना बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा अगर आपने नमाज कायम नहीं की भी, नमाज कायम उसके लिए नहीं हाँ। शादी के लिए नमाज नहीं कायम करें अपने आपको ठीक करने के लिए नमाज वैसे आपस की बात है ना कहते हैं जरूर इसको प्यार में नाकामी होगी अच्छी बात है अगर आप आपने सही मुसलमान बनना है अब अल्लाह hmm. की खातिर hmm. क्योंकि यू रिपेंटेड फॉर द सेक ऑफ अल्लाह देन आस्क अल्लाह फॉर दैट मैरिज

माफ़ी मांगने के बाद ये नहीं हो सकता कि आपने रियलाइज़ कर लिया मैं गलत कर रहे थे हम दोनों हराम कर रहे हैं

एक एक शेख के पास गए बड़ी मोहब्बत थी उनसे और मैं ना मतलब अब नहीं भूल पा नहीं भूल पा रहा ना तो उन्होंने कहा आप करें कि अल्लाह ताला ना आपके ईमान में और मजबूती लाए शेख उनका नाम ही ईमान है ईमान तो की जितना आप ईमान करते हैं मुझे और याद आता था कि जो रब मालिक अल्लाह गुनाह को नेकी में बदल सकता है वो आपकी पिछली गलतियों को माफ करके आपके उस रिलेशनशिप को हराम रिलेशन को हलाल में नहीं बदल सकता अगर आप दुआ करें माँ बाप को कब जेन बदल नहीं सकता बदल सकता है सो देयर इज नो डेड एंड अच्छा गर, अगर, अगर उस लड़की की शादी हो गई है मैं दुआ, दुआ मांगता रहूँ कि कुछ भी हो सकता है उसके हस्बैंड का इंतकाल हो सकता तो है तो दुआ मांग नहीं सकते जिसकी हो हाँ, बस तो आप जिसकी no तो शादी बताना चाहता हूँ बताना चाह रहा हूँ कभी कबार ना हमारा देखे आपको पता नहीं है ना <laughs> हाँ, तो मैं तो पिछले जितने सालों से मैं ये सवाल डील कर रहा हूँ ना मतलब मैं आपको बता सकता हूँ वो दैट हैज सेल्ड Hmm. वो 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 शिप सेल कर चुकी है फिर भी कह रहे हैं अभी भी दुआ मांग रहा हूं नॉट द द एंड ऑफ वर्ल्ड मूव ऑन आस्क अल्लाह फॉर बेटर देखें हां ये ये बात असल में ना देखें ये बात जाने के देखें जो आपकी किस्मत में ना वो आपको मिलके रहेगा टेंशन नहीं ले hmm. आप एक हद तक बंदा कोशिश करता है ता हद इस्तात कोशिश करता है बाकी फिर अल्लाह पे, पे तोल भी है ना तो अब आप ये चाहें कि नहीं पूरी दुनिया को मैं किसी तरीके से किस कंट्रोल कर दूं और उसका शोहर भी जो है वो मर जाए और फलह भी हो जाए और फिर मुझे दोबारा निकाल में आ जाए वोट यू टॉकिंग अबाउट कुछ लोग पर सवाल पूछते हैं कि ना मैं बहुत मेरे दिन से ना नहीं ख़त्म हो पा रहा मैं बहुत अपसेट हो चुका हूँ और अपसेट हूँ मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हूँ इवन दो कि वो शादी हो चुकी है और अब देर इज़ डेड एंड एक्चुअली इवन दैन पीपल कि मैं क्या करूँ मैं मैं मेरे दिल से नहीं निकल पारी वो बात हाँ। तो भाई आप पता है कि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गमगीन एक चीज़ में और फंस जाते हैं ना वहाँ पे दैन यू इज़ अ क्लियर साइन कि ना आप ईमान कमज़ोर है आप ये कर रहे हैं कि यार जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना कि वल्लाहु अंतुम ला तालमून इससे पहले ये बल्कि फरमाया कि कोई चीज़ तुम समझ रहे हो कि ये मेरे लिए अच्छी है मेरे बेसिकली इंसान हैप्पीनेस अचीव करने के लिए सब कुछ कर रहा होता है ना ये कुछ तो बंदा समझ होता है मेरे लिए हैप्पीनेस का बाईस बनेगी अल्लाह जानते हैं वो तुम्हारे लिए हैप्पीनेस का बायस नहीं होती लेकिन जिसको तुम बुरा समझ रहे होते हो लेट से कोई और ऑप्शन उसको बंदा बुरा समझ रहा है कि जी नहीं नहीं, नहीं मेरी तो जिंदगी खत्म होगी वो बेहतर हो आपके लिए क्योंकि अल्लाह जानते हैं और तुम नहीं जानते तो आप इस, इसको इसको डिनाई कर रहे हैं अगर आप उसी गम में शिदत गम में बैठे हुए हैं अगर फंसे हुए हैं अच्छा इसमें एक और चीज़ एक बल्कि आपसे लोगों से सवाल है कि एक तो है जो रिलेशनशिप में है वेलेंटाइज एक वो लोग हैं जो कि जिनके पास ना गर्लफ्रेंड है ना बॉयफ्रेंड है बट दे आर गोइंग थ्रू अ अवेयर पीयर प्रेशर अच्छा पीयर प्रेशर स्पेशली अभी अच्छा। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अच्छा। हैं एंड दे ऑफन काम कहते हैं yes. कि अब हम जिस यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो हमारे सामने hmm. कहते हैं यार इसमें नजरें नीचे रख किस हद तक बंदा रखे मतलब कैसे कंट्रोल करें एंड देन वैन यू सी ऑल योर फ्रेंड ऑलमोस्ट एवरी अदर फ्रेंड एज़ का किसी का रिलेशन बन रहा है किसी का बन चुका है किसी का किधर जा रहा है किधर जा रहा है आप किस हद तक और फिर ये वेलेंटाइंस डे से पहले यूनिवर्सिटीज़ और ये जो सारा माहौल क्रिएट कर देते hmm. हैं कि यूनिवर्सिटीज़ भी माँ से इंकरेज कर रही होंगी लड़कियाँ उस तरह कपड़े पहन के आना शुरू हो जाएंगी रेड कलर्स हैं वो सारे शुरू हो, हो जाते हैं सो वॉट एडवाइस लाइक एक्चुअली प्रैक्टिकल एडवाइस ना मतलब हमें ना थोड़ा सा रियल होकर प्रैक्टिकल एडवाइस लोगों को देनी चाहिए एक है हाँ जी ठीक है आप अल्लाह ताला से दुआ करें वो तो करना ही करना है तोबा भी करनी है बट आई थिंक समटाइम्स ना कोई प्रैक्टिकल जेनुअन स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आपके लिए ये चीज अप्लाई करना आसान हो जाए ना so so जो एक बेस कंसेप्चुअल uh, बात पहले करूंगा वो ये है कि आप ना ट्रू सेंस में मौलवी विद एन एटीट्यूड बन जाए ठीक है और मौलवी विद एन एटीट्यूड की जो असलाह है ना वैसे आप अपने ईमान में अपने दीन में कॉन्फिडेंट हो कि अलहमद अगर मैं बचा हुआ इस चर से अलहमदल्ला और आप उस पर फख्र महसूस करें आप ये महसूस ना करें कि ओहो हो मेरा मेरा क्योंकि किसी आराम रिलेशनशिप नहीं चढ़ा बाकियों के सबके हुए हुए हैं यानी आप फील करो अलमदिल्ला अल्लाह ने मुझे बचाया हुआ यू शुड फील ब्लेस्ड एंड प्राउड ऑफ द फैक्ट कि अल्लाह ने आपको सेफ गार्ड कर लिए बचा लिया बिकॉज दिस इज़ यू नो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट देट कड हैपेंड टू यू तो बजाय कि आप उस पीयर प्रेशर में आए आप खुद पीयर प्रेशर क्रिएट करें आप वो पीयर प्रेशर क्रिएट करें कि यार आप लोग क्यों हराम में पड़े हुए हो अल्लाह ने जब रिश्ता कराना होगा मैं कोई पसंद आया या कुछ हुआ मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करूंगा थ्रू प्रॉपर चैनल जाऊंगा अगर वहां पे रिश्ता हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह और अगर नहीं भी होता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे लिए कोई और रास्ता निकाल देगा और वो मेरे लिए बेहतर होगा तो बजाय कि आप उसमें मस्किन बन रहे हैं कि नहीं जी मुझे आ, क्यों प्यार नहीं हो रहा या मोहब्बत नहीं हो रही या मेरा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है वाई यू फीलिंग दैट वे एक्चुअली मस्किन बंदा जब भाई तब बनता है खुरम पता है आपको कि जब इंसान खुद दो कश्तियों का सवार होता है अगर तो यूथ में से कोई लड़का या कोई लड़की ख़ुद शोर ही नहीं है ठीक है खुद ना मुकम्मल प्रैक्टिसिंग है खुदा खौफी रख के अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें लेके आना दीन का इल्म भी हासिल करना ऐसे दोस्त बनाना अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल बनाना इल्म वाला ना ये है और दूसरी तरफ वो भी पूरा नहीं है बल्कि उसमें शायद प्रॉब्लम ज़्यादा ही होता है कि जो अपोजिंग चीज़ हो दोनों चीज़ों बस वो बैक एंड फोर्थ ही चल रहा तो है। बैक एंड फोर्थ चल रहा होता है तो फिर तो मुश्किल हो जाता है और वैसे भी जब कोई बंदा जिसकी सोच में एक वो थाट पैदा होती है ना शुरू में तो वो थोड़ा सा एरिया शुरू वाला वैसे ही मुश्किल होता है जब आप दीन की तरफ आना शुरू करते हैं तो उसमें तो चैलेंजेस होते ही होते हैं यू कैन नॉट सर उसमें जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं बल्कि आई थिंक एक आपने आपनेलरेडी और, इसी में दे दी है जो मुझे लगता है वो ये है कि आप अपना जो यूनिवर्सिटी में जो चैलेंज फेस कर रहे हैं जो माहौल में फेस कर रहे हैं ना अपार्ट फ्राम यूनिवर्सिटी जो है ना दैट्स वेयर यू नीड टू बिल्ड योर ईमान तो उसमें जो कंपनी है आपकी दोस्तों की उसमें मेक श्योर sure करें फिर आपकी एक सेपरेट कंपनी हो ऐसी दीनदार भाइयों की दोस्तों की जहाँ पे आप इन्जॉय भी करें जिनके साथ आप घूमें जो आप मोलवे दराटीज वाली बात करें यू शुड गो एंड हैव फन प्ले योर प्लेज एनी स्पोर्ट दैट यू लाइक बाइक राइडिंग या वट एवर द थिंग इज आप अपना काम करें अपने ऐसे इंटरेस्ट पैदा करें और ऐसी कंपनी दीनदार भाइयों की मिले कि वो शोगल भी लगाएं नमाज टाइम नमाज, नमाज भी इसी तरह सिस्टर्स सेम गोज विद द सिस्टर्स कि आप लोगों की अपना जो सर्कल ऑफ़ फ्रेंड्स है ना एक्योर एज़ ह्यूम वी नीड सोशल हम लोग सोशल एनिमल्स नहीं है एक तरह से हमें सोशलेशन करनी है ये नहीं हो सकता हम बंद क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाता है एंड समू इट बल्कि मोस्ट ऑफ़ अस के आपके पुराने दोस्त जब छोट रहे होते नए मिल नहीं रहे होते तो बीच का भी पीरियड है सो बी क्विक एन फाइंडिंग अल्लाह से दुआ उसके लिए बहुत करें कि अच्छी कंपनी मिल जाए बिकॉज आई पर्सनली फील की ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है आपको बताएं सूरत तोबा में अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और सादकीन के साथ हो जाओ राइच कंपनी में आ जाओ क्योंकि राइचस कंपनी का ना बहुत बड़ा असर होता है आपकी पर्सनैलिटी पे आपकी डेवलपमेंट पेडेंस आपके कॉन्फिडेंस पे तो आपकी चुछते. उस शख्सियत पे जो बनने जा रही है बट उस राइच कंपनी तक पहुंचने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसपे अभी हम लोगों ने पूरा प्रिंट ऑफ चेंज श्योर किया था कि मैं कौन हूं और ये जो अली भाई ने जिसकी तरफ इशारा किया वो यही सवाल है मैं कौन हूँ आप पहले ये तो बताओ भाई तुम कौन हो बुला की जाना मैं कहूँ तुम मुसलमान हो तुम अल्लाह के बंदे हो तुम नेक आदमी हो तुम कौन हो पहले अपने आप को जो तो आइडेंटिफाई करो कहते ना आधा तीतर आधा बटेर उस उस से बाहर निकलो को मैं पूरे का पूरा ही मुसलमान हूँ ठीक है मैं अगर मुसलमान हूँ तो मैं क्यों इस बात पर डिप्रेशन में जा रहा हूँ या इस बात पर मैं आ, प्रेशर फील कर रहा हूँ कि मैं किसी हराम में नहीं हूँ यार तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम तो मुसलमान हो तुम आराम से बचे हुए हो तुम तो जो ना मिठाइयाँ बांटो के यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो ना हराम से बच गया बजाय तुम उल्टा गिल्टी फील करो कि मेरी क्यों गर्लफ्रेंड नहीं है ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि जब इंसान अल्लाह की तरफ आना शुरू करता है यहाँ भाई तो इंसान का बिहेवियर उल्टा हो जाता है ब्रो ऐसे माहौल को देख के इंसान इन्फ्लुएंस नहीं होता बल्कि वो कहता है एक बेचारगी का होता है कि यार मेरे बहन भाई जो है किस चीज़ में पड़े हुए हैं वो खुद फील नहीं करता अफ़सोस करता है और वो चाहता है कि इनको किसी तरह से अवेयरनेस दिलाई जाए कि दिस इज़ रॉन्ग उनको उनको उसको ना उन मस्किनों पर तरस आ रहा होता कि यार ये किस गलत जगह पर लगे हुए हैं अच्छा आपसे मैं एक और सवाल पूछता हूँ ये है कि चलें एक बंदा जो है वो हराम रिलेशनशिप्स के अंदर मुलवि था वैलेंटाइन डे आया ना उसने ये गलती से या जानबूझ के पॉडकास्ट सुन ली और अब उसको लगा कि मुझे ना चेंज करना चाहिए और उसने तोबा भी कर ली उसने गर्लफ्रेंड को फ़ोन भी किया उसने कहा सॉरी शुमाला ऐसा अब नहीं हो सकता बात ख़त्म कर दी ठीक है आ, और उसको पता है कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है रब राज़ी तो सब राज़ी मैं आ, किसी के उस पर कंसर्न नहीं हूँ और उसने अपने आप को ठीक करने की कोशिश की और अब वो अलहमदुल्ला सारे रिलेशनशिप तोड़ ताड़ के अब वो नेकी की तरफ आना चाहता है और अब वो रिपेंट कर गया ठीक है अलहद अब अली भाई मैं आपसे पूछूंगा अब वो रिपेंटर्स की तरफ आ गया गर्लफ्रेंड भी नहीं है दोस्त जो है, उनमें भी थोड़ा सा आउटकास्ट हो गया, अब वो अल्लाह का बदला क्या करे वो अकेला महसूस कर तनहा है और अब उसके लिए ना वो एक मुसीबत वाली कैफियत है अब वो क्या करे बेचारा एक तो सबसे पहले गाने सुनना छोड़े, अच्छा। म्यूजिक छोड़े गाने जो हैं ये म्यूजिक जो है ये आपके इमोशन से प्ले करता है।, है और सबसे ज्यादा इसी चीज पे करता है ठीक है ये हो नहीं सकता कि आप तो ऐसे ग़ज़लें सुने इसी चीजों से बाहर आए और जैसे ही आप म्यूजिक ऐसा सुनेंगे ना तो वो आपके उसी जख्म को उखेड़ेगी दोबारा से चीज ठीक है? है तो जस्ट कैट इट आउट ठीक है उससे निकले बाए और दूसरी बात असल चैनल की तरफ मूव ऑन करेंट लाइक निकाह की तरफ जाए गर्ड तो छोड़ दिया तो आप निकाहे तो जरूर तो नहीं है कि गर्लफ्रेंड से ही करें तो चलेगी ना वो थैंक यू वेरी मचे अब तो नहीं हो सकता क्योंकि सारी बात है वो गर्लफ्रेंड ने भी कर

ये बहुत सारे स्कॉलर्स और बहुत सारे एक्सपीरियंसड लोगों ने वाइज पर्सन ने ये बात की है कि वन एवर यू आर गमगीन हसन गम दुख क़ुरान क़ुरआन इवन इफ़ यू आर सिनर इवन अल्लाह को आपने नाराज़ किया इवन देन क़ुरान इज़ गोना यू यू गिव गुड कंपनी एक्चुअली रीड क़ुरान रीडिंग क़ुरान गिव्स यू सो मच सैटिस्फेक्शन तो मैं आपको बताऊँगा जो दुआ है ना हमारी इतनी ज़बरदस्त वो अल्लाई इन आपको पूरी दुआ तो नहीं पढ़ रहा जिसका एंड है हैुरबिया कल भी ये नबी ने दुआ सिखाई है अगर वाकई आप परेशान गमगीन और आप दुखों के पहाड़ों के नीचे अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं ना अल्लाह से यूँ दुआ मांगे कि कुरान को ना कुरान के ज़रिए मेरा गम दूर करें किस तरह अंतज अल कुरान रबी अक़ल भी कुरान को मेरे दिल की बहार बना दें वह नूर सदरी मेरे सीने का नूर बना दें हजनी और मेरे ग़म दूर करने का सबब बना दें और जिला हजनी वजहा बाहमी

असल में आगे तरह हैं hmm. क्योंकि वो ना अल्लाह अल्लाह का चेहरा चाहते जो को राजी करना चाहते हैं इस मतलब आप कह सकते हैं अल्लाह कि तक ना हटाओ उनके ऊपर hmm. से ऐसे जुड़ जाओ उनके साथ दिस इज प्रैक्टिकल टिप डायरेक्टली बाई अल्लाह इफ आर फीलिंग सच का

आशिक होता है जिसका दिल टूटा होता है अक्सर वो मौलवी क्यों होता है क्योंकि उसके अंदर ना उसको सुकून मिलता है वाकई में वो जो उसका गम है जो उसका हुजन है जो उसका टेंशन है जो उसकी एंगजाइटियाँ हैं वो नमाज़ की तरफ जब जाता है ना और वाकई अल्लाह से अपना रिलेशनशिप कायम करता है तो वाकई में वो उसको एक लेवल ऑफ़ सेटिसफेक्शन महसूस होता है अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है कि अब हम लोगों ने जो आ, आपने ने खासतौर पर बात की वो उसका आई थिंक लबे लबाब या समरी ये थी कि बिफ्रेंड अ मौलवी मौलवियों के साथ दोस्ती लगाओ और प्यार मौकों से डरने वालों साथ दोस्ती लगा लूंगा दोस्ती लगा अच्छा एक और सवाल मैं जरा आपको ना गुगली करा रहा हूँ एक और एक मिनट मुझे एक बात आ रही है लेकिन प्रैक्टिकली ना जभी देखें हम प्रैक्टिकल बात करना चाहते हैं थ्योरी और होती है प्रैक्टिकल और चीजें भी मुझ जो ऐसा ऐसा बंदा होता है ना उसको ना इन बातों से चिढ़ बहुत आती है एक हाँ। तो है ना कि जब वो एक तो जब, एक तो जब है। वो है ना कि जब वो करना शुरू करता है तो हाँ। उसको मजा आता है, है। लेकिन इससे पिछला स्टेप है कि जब हाँ। उसको ये बातें सुनाई जा रही होती हैं कि यार हाँ। रोजे रखो ठीक है नहीं आ रही या हाँ या तुम जब आयात बताने लग जाते हैं कि तुम यार इस्लाम को मत बीच में लाओ उसको ना ये चीजें चुभती बहुत मैं आपके जवाब देता हूँ देखिये अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना और डॉक्टर कहते हैं आप ना गले में थ्रोट पेंट लगाए ठीक है फिर वो कहता है ये ये आ, साफी खाएं हमदर्द की साफी मेरा कोई मसला, मसला नहीं है लेकिन वो यानी हमदर्द मेरा मसला नहीं लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो गंद उसकी टेस्ट बहुत बुरा है वन ऑफ द वर्स्ट टेस्टिंग मेडिसिन बट खून साफ करती अच्छी होती है तो थोड़ी सी मार्केटिंग भी होगी हमदर्द क्योंकि डॉक्टर भी आपको ना बहुत सारी ऐसी चीजें रेकमेंड करता right. है जो आपको जहर hmm. लग रही होती है, बात है like it, so, right. बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह के बंदे जिसका दिल टूटा हुआ है नमाज की तरफ जाओ अल्लाह के बंदे मौलवियों के साथ अच्छे लोगों के साथ मतलब नहीं है टिपिकल उस अच्छे लोग जो दीनदार किस्म के जरूरी नहीं है कि वो किसी के माथे पे लिखा होता है मैं मौलवियों बट द पॉइंट इज कि जो अच्छे लोग हैं जो जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं जो आपको अल्लाह से जोड़ते हैं जो आपके साथ खैर की बात है, करते हैं।, हैं जो आपको फजूल किस्म की मटीरलिस्टिक नॉनसेंस में इंगेज नहीं करते उनके साथ उठना बैठना शुरू करें बिलीव मी इट विल हैव एन इंपैक्ट ऑन यू इट विल मेक यू फील बेटर वाई जस्ट लेट मी गिव यू सिंपल एग्जाम्पल जो आपने बात करेंगे उस बंदे को लग रहा होता है यार ये बातें ठीक है लेकिन ये ना ठीक नहीं है एक्चुअली ये हम क्यों कह रहे हैं कंपनी अच्छी करें देखें क्या होता है जब आप अच्छी कंपनी में जाना शुरू करते हैं ना स्लोली विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट गेटिंग इन टू रियली कंपनी यानी अगर वो लेट से कहीं खाने पीने भी जा रहे हैं ना तो आप उन्हीं के साथ जा रहे होंगे अब वो वो में नमाज का टाइम आएगा वो सब उन सब की फ़िक्र नमाज की तरफ होगी ऑटोमेटिकली इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू टू ऑफ़र सलाह विद दैम वो लोग गलत बातें नहीं कर रहे होंगे जो जिनसे इंजनाव कर रहे आप ऑटोमेटिकली उससे भी बच रहे होंगे अच्छा आप इन्जॉय भी कर रहे होंगे कहीं वो कुछ स्पोर्ट्स खेलने की बात अगर करेंगे जाने की कहीं प्लान करेंगे आप उनके साथ जा रहे हैं साथ साथ आप हर गलत काम से बच रहे हैं क्योंकि वो लोग गलत काम से बचते हैं क्योंकि उनके दिमाग में सुबह और शाम अल्लाह होते हैं अल्लाह का जिक्र होता है तो आप ऑटोमेटिकली विदाउट रियलाइजिंग वेरी क्विकली स्टार्ट यू स्टार्ट फीलिंग अ कंपनी यू स्टार्ट फीलिंग यू स्टार्ट इंजॉइंग एट एक्चुअली क्योंकि आप ग्रुप में काम कर रहे हैं ना अच्छी इस बात हो मैं हो है मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ आखिरी सवाल है आज का ठीक है उसके बाद हम शो एंड कर रहे हैं गुगली है बड़ा डिफिकल्ट सा सवाल है आप तैयार मेंटली फिजिकली साइकोलॉजिकली इमोशनली अच्छा सवाल यह है जनवन सवाल है और मुझे कई दफा है वो सवाल यह है कि मैं उसको कैसे छोडूं अर्ज किया है मैं उसको कैसे छोडूं उसी की वजह से तो मैं दीन पर आया हूं <laughs>

<laughs> भाई देखिए क़त नज़र मजाक क्योंकि इसका ना एक इसका बड़ा अच्छी इस शॉट है हमारे दीन की तरफ से एक प्रिंसिपल है बहुत कि अल्लाह में ना किसी और कोई चीज़ नहीं आगे आ सकती उसमें इंसानों की ताद भी नहीं आ सकती तात भी आ सकती नहीं, नहीं आ सकती आप कोई अच्छा काम खैर का काम आपको लग रहा होगा कि वो खैर का काम है वो करने के लिए आप कोई गलत काम नहीं कर सकते यानी ऐसे पुल से आप नहीं गुजर सकते अच्छा। खैर के काम तक जाने के लिए जो गुनाह का पुल हो जो 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 आपको गिरा देगा क्योंकि एक्चुअली वो गिरा देगा आपको दरिया में खाई में क्योंकि आपको नजर नहीं आ रहा आपको लग रहा है ये पुल है खैर तक जाने का लेकिन वो आपको खाई में गिरा रहा है उसने आप अपना काम शुरू कर दिया हुआ है अगर आप इस चीज़ में फंसे हुए हैं देखें सिंपल असूल है अल्लाह खैर नमाज या कोई भी काम खैर के लिए भी आप नाफरमानी का रास्ता नहीं अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता नहीं कर सकते आपको अगर आपको yes, uh, और, और बाकी हो गया कि आप किसी अपने गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड की वजह से दीन की तरफ आ गए अब तो मे बी मतलब मे बी डेफिनेटली अल्लाह तला ने ही ये आपके लिए प्लान किया कभी कोई गलत बंदा भी आपको ठीक बात से खा शान ने भी शैतान ने भी

एक बंदे से बात हुई वो दीन की तरफ़ कैसे आया था वो मुसलमान शुरू में शुरू से वेस्ट में रहा था और वो बिगड़ गया था और शराबी बन गया था और शराबों वाली शराबियों वाली सारी उसकी ना कंपनी थी <laughs> तो एक दफ़ा शराब के नशे में धुत बैठे हुए हैं सर मतलब फुल टून हुए हुए और उसमें वो जो नॉन मुस्लिम है वो उससे पूछता है कि अच्छा तो मुसलमानों में ये शराब हराम नहीं होती और इस तरह की ना इस्लामिक डिस्कशन हो रही है शराबियों के तरफ तो उस बंदे ने बताया कि वो जो कॉन्वर्सेशन थी ना नशे की हालत में मुझे स्ट्राइक किया उसने और मैं जब वापस सोच में आया तो मैंने सोचना शुरू किया उसकी वजह से मैं बेसिकली तीन बंदे बैठे थे, थे जिसमें से दो मुस्लिम्स थे हाँ और आई थिंक कहते हैं एक, एक सोमालीयन जो था ना कहते <laughs> उसको बहुत दीन की नॉलेज थी <laughs> कहते उसने उस हालत में वो क्रिश्चियन को ना दावत कांट ऑफ दे दी <laughs> दे डाली कहते और वो दावत एक्चुअली मुझे मिल गई बट दैट डज नॉट मीन दट यू विल कैरी ऑन दैट सबब क्योंकि क्योंकि जी, hmm. जी शराब oh. की महफिल में बैठ के मुझे हिदायत मिलती इसलिए आई शूड कीप ऑन गोइंग महफिल क्योंकि मुझे वहाँ से हिदायत मिलती है दैट इज़ रॉन्ग यू हैव टू फिक्स द मोमेंट यू रियलाइज़र एक चीज़ अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ देखें अल्लाह तमाम कुराना फरमाया वाल खतुआ शैतान आपने मैं भी किया था होता है ये क्या ये सारा ट्रैप है पूरा शैतान का स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी से आमतौर पर या किसी भी जगह से कि जी क्लास फेलो हैं को एजुकेशन में पहले ही दाखिला लेना उसकी अपनी कबाहतें जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ फिर आपने जी क्लास फेलो आपस में जी सब्जेक्ट में जो हमारा है या कोर्स है उसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं ये वहाँ से स्टार्ट होता है फिर जो है ना नेक्स्ट स्टेप होता है कि जी वो अकेले बैठ के पढ़ने का काम आ जाता है कई जगहों पर फिर उससे नेक्स्ट यू नो फ़ोन नंबर एक्सचेंज फिर डायरेक्ट फ़ोन पे आपस में डायरेक्ट बातें ही है वो भी खलवती स्नैपचैट या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट होते हैं फोन नंबर वो भी भी थोड़ा दूर हो गया जी जी वो भी फोन के थ्रू ही आप कह लें उसको भी फोन में शामिल कर लें उसके थ्रू आप नेक्स्ट स्टेप पर आगे अब आप बातचीत कर रहे हैं फिर वो मिलने जुलने की बात तक नौबत पहुंच जाती है फिर उससे आगे आगे बात ये क्या है ख़ुतवा शैतान है ये स्टेप फुट फॉलो यू आर फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ शैतान तो इवेंचुअली बात बहुत आगे जो कि यानी कि कि का हुक्म दिया ना के भी नहीं जाना लेकिन आप पहुंच जाते वो क्या रहा था कि यू जस्ट वांटेड टू यू जस्ट वॉटिड टू इन्जॉय ना द प्लेयर देखिए हैप्पीस और प्लेयर में फ़र्क होता है प्लेयर शॉर्ट टर्म डोपा मीन इज प्लेयर एक्चुअली हैप्पीनेस इज नॉट प्लेयर येस प्लेयर कैन कॉज हैप्पीनेस बट टू मच प्लेयर कैन रो इन योर हैप्पीनेस इज वेल वो क्या हुआ वो आप ना शहवात के पीछे लगे हुए थे और आपको प्लेयर मिल रहा था प्लेयर मिल रहा था यू यू स्टार एक लेवल पर आके ना वो उसकी आपको यू नीड मोर डोपा मीन ना सो यूट टू द नेक्स्ट स्टेप सो शैतान आपको ना अपने फुट स्टेप्स पर चला चला के इवेंचुअली इतने गलत काम तक ले आया देखिए मैं शहवाद के हवाले से ना एक हदीस यहाँ मैंशन करना चाहता हूँ ये तिरमिजी की हदीस है ये अबवाब सिफतुलजन्ना है टू ज़ीरो सेवन फाइव स्लैश टू शहवाद के हवाले से है अल्लाह ताला ने ना मैं इसको मुख्तसर करके हूँ खुलासा क्योंकि पूरी हदीस के वर्ड्स जो इबादत लम्बी है अल्लाह तैाली ने जब जन्नत को बनाया ना तो जब उसकी उसमें नियमतें रखी बहुत सारी ज़बरदस्त जबराइलम से फरमाया कि जब्राइल जाओ जन्नत का एक चक्कर लगा के आओ और अपना कमेंट दो जबराम गए वापस आए तो कहा या अल्लाह आपकी इज्ज़त की कसम जो बंदा इस जन्न, जन्नत के बारे में सुन लेगा ना सही तरीके से यानी जान लेगा वो इसको पा कर ही रहेगा यानी वो इसको पा लेगा ऐसा नहीं हो सकेगा कि वो इसको मिस करे अच्छा अल्लाह ताला ने फिर क्या किया कि जन्नत के ऊपर ना फरिश्तों को हुक्म दिया कि जन्नत के ऊपर ना जो मुश्किलात और मसायब और जो टेस्ट और सब्र और ये सब कुछ इस इससे ढाँप दो अब इसके बाद जबरिया को दोबारा कहा कि अब आप जन्नत में जा फिर चक्कर लगा के आए और बताएं जबर आलिल दोबारा चक्कर लगा के आए और आके फरमाया है, या अल्लाह आपकी इज्जत की कसम अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी नहीं जा पाएगा नहीं। अच्छा फिर अल्लाह तला ने यही काम जहन्नम के साथ भी किया नहीं। 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 से फरमाया कि जहन्नम का चक्कर लगा के आए जहनम का चक्कर लगा के आए उन्होंने फरमाया या अल्लाह आपकी इज़्ज़त की कसम जो बंदा इसके बारे में जान लेगा या सुन लेगा ना इसके बारे में सही तरीके से वो तो इससे बच कर ही रहेगा यानी वो इससे बच जाएगा यानी वो मेक शोर sure करेगा कि मैं मैं इसमें ना जाऊँ फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरिश्तों को कि जहन्नम को ना शहवात और लजात लज्जतें और शह यानी शहात नफ, ख्वाहिश खौईश, नफसानी ख्वाहिशात जो भी आपका दिल चाहता है और जिसमें भी प्लेयर है जस्ट प्लेयर उससे ढांप दो अब जबर आईम को कहा कि अब आप चक्कर लगा के हैं वो जब चक्कर लगा के गए तो फिर उन्होंने फरमाया कि अल्लाह आपकी इज्जत की कसम अब तो मुझे लगता है कोई भी हर बंदा ही इसमें चला चल जाएगा ये ऐसी इतने ज़्यादा कवर कवर कर कर गए से दी गई है दिस इज द होल फिलासफी ऑफ दिस लाइफ यू हैव टू ग्रैप द प्रॉब फ्राम इट्स कोर बॉटम एक्चुअली जड़ जो है ये सारी चीज़ें जो है ना जिसमें वेलेंटाइन भी आता है और गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड जिसमें आप फंस जाते हैं ट्रैप होते जाते हैं उस वो ये है कि फिलासफी ऑफ दिस लाइफ हमने सही तरीके से नहीं समझी ये सारा हमने इवेंचुअली अगर आप किसी भी गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड से पूछे ना तो दे मुस्लिम की बात कर रहा हूँ दे ऑल वॉन्ट टू एंटर इन टू जन्ना दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन बट Exactly जैसे ने बयान किया गया ना वो जो उसका उसके ऊपर एक है ना सबर की की उससे सारे उसमें से कोई भी नहीं जाने के लिए तैयार सारे जो है ना वो लज्जात और शहवाद के रास्ते से चल के समझ रहे हैं कि हम जन्नत में भी पहुंचेंगे नहीं इंग्लिश में कहते हैं आप कि आपका केक भी खा लें और आपके पास बचा भी कि Uh, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जैसे जो सुन रहे हैं और जैसे हमने पहले बात की कि जो लोग इस हराम रिलेशनशिप के अंदर फंसे हुए हैं और उसको गिव अप करना चाहते हैं रिमेंबर uh, जिससे मैंने शुरू में भी कहा था कि अल्लाह ताला ने ना हमें फ्री विल दिया अल्लाह ने हमें चॉइस दी है आपने अच्छे काम करने हैं आपकी मर्ज़ी आपने बुरे करने तब भी आपकी मर्ज़ी है लेकिन याद रखो जैसा करोगे वैसा भरोगे एज़ यू सो सोशल रीप हर बंदे को उसके किए का सिला मिलेगा अल्लाह तारा फरमाते हैं फमै या मल मिसकॉ अर्रतन खरा रहा वो मै या मल मिसा ज़र्रिन शर रही जो भी आपने ज़रा बराबर खैर का किया होगा वो भी उस दिन आप देख लेंगे क्यामत वाले दिन और जो भी आपने ज़रा बराबर शर का किया होगा वो भी आप देख लेंगे आखिर में नबी करीम सल वम की हदीस है आपने फ़रमाया कि अल्ला की रहमतें हों उस शोहर पर जो सुबह नमाज के लिए उठता हो और अपनी बीवी को भी उठाता हो और अगर वह ना उठे तो उसके मुँह पे पानी छिड़कता होगा और इसी तरह से अल्लाह की रहमतें उस औरत पर जो सुबह उठती है नमाज़ के लिए और अपने शोर को भी उठाती है और वो अगर ना उठे तो उसके मुंह पे पानी छिड़कती है अब देखने में तो हदीस बड़ी सिंपल सी है स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है लेकिन यहाँ पे ना एक बड़े खूबसूरत उस हलाल रिश्ते की बात हो रही है वो जो एक राइट right चॉइस आपने मेक किया था आप निकाह के अंदर आ गए अलहमदिल्ला आपने अपने रिलेशनशिप्स को हलाल बनाया हराम का रास्ता छोड़ दिया और किस बेस पर किया दीन की बेस पर यानी आपका जो मेन क्राइटेरिया था वो ये था कि हस्बैंड क्या यानी हस्बैंड उस जैसर से क्या कर रहे और वाइफ इस जैसर से क्या कर रही है वाइफ सुबह उठती है नमाज़ के लिए वो ये नहीं कहती कि ये मनहूस होता रहे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ मैं तो जन्नत में पहुँचाऊँगी नहीं वो कहती है मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी ये भी नमाज़ पढ़े दोनों जन्नत में साथ जाएंगे इन श्ला और हस्बैंड भी यही सोच रहा है कि मैंने जिस का इंतखब किया हम दुनिया में भी प्यार मोहब्बत से रहेंगे और जन्नत में भी ये मेरे साथ जाएगी यानी उसके बैंक में यही बात है कि और मैं आपको बताऊँ वाकई में द ओनली वे दैट यू कैन एवर हैव अ अपिली एवर आफ्टर इज़ वेन यू वॉक इन टू जन्ना टुगेदर अदरवाइज अगर एक जन्नत में जा रहा है एक अल्लाह माफ़ करे जन्न में जा रहा है या दोनों ही अल्लाह माफ़ करे झन्न में जा रहे हैं दुनिया में तो बड़ी प्यार मोहब्बत दिखा रहे थे लेकिन दोनों जन्न में दाखिल हो रहे हैं दिस इज़ नॉट अ हैपली एवर आफ्टर दिस इज़ अ वेरी वेरी सैडली एवर आफ्टर सो प्लीज़ अभी आपके पास टाइम है यू कैन मेक द राइट चॉइस नाव सो इनशाला आई होप एंड आई प्रे कि अगर आप हमारे शो को देखते हैं फॉलो करते हैं तो यू विल मेक द स्मार्ट मूव द स्मार्ट चॉइस गाइज इज़ाक खैर फॉर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग और बड़े अच्छे लाइट हार्टेड अंदाज में आप लोगों ने आज एक बड़ा ही हैवी टॉपिक कवर करवा दिया अल्ला तो आपको बहुत ज़िदा खैर दे गाइज इनशा आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चल अनटिल दैन अपना बहुत बहुत ख्याल रखें वसलम वरहमल् वर्क